हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आयलान मूवी के बारे में, जो अनुवादित रूप से आयलान 2024 की एक भारतीय तमिल भाषा की लेटेस्ट मूवी है, जो विज्ञान कथान के साथ आर रवीद कोटा पिडिक द्वारा राजशेखर के साथ दिखी गई जो निर्मित कर दिया। इसमें आलियान ने फिल्म श्रृंखला के पहले किस्त और भूमि अर्श में शिवा कार्तिक रूप में रकुल का प्रति सिंह की भूमिका निभाई। इसके साथ शरद केला ने ईशा के साथ व्यापक मनु योगेन बाबू के साथ एलियन की आवाज़ दी, जबकि ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दुष्ट वैज्ञानिक के साथ आघात नोवा गैस को बनाने की कोरोना के कारण रोकने के बारे में बताया गया। एलियन के साथ मिलकर बताया गया पृथ्वीराज को खतरे में डाल दिया। वहीं पर इसका निर्देशन आर शरद कुमार और पाठकथा का लेखक भी आर शरद कुमार और के मणिरत्न है। वहीं पर अभिनेता आर रवि कुमार और उत्पादन कोटा पटित जे राजेश और अभिनेता शिवा कार्तिक केयन और रकुल प्रति सिंह है, जो शरद केरल के साथ ईसा के रूप में कोपियान रूप देखी गई तथा इनका छायाकान नीरव शाह है। वहीं पर संपादन रूबेन है और इसको संगीत को ए आर रहमान द्वारा दिया गया। इसका उत्पादन कंपनी KRG स्टूडियो और फेटम IXL स्टूडियो रही, जो यदि ब्राह्मणों के साथ देखी गई, और इसका वितरण KGR द्वारा स्टूडियो के साथ लाया गया। इस मूवी को 12 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया। इसके कार्यक्रम समय अवधि 155 मिनट का था। यह मूवी भारत देश में तमिल भाषा के साथ लाया गया। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की घोषणा 24AM स्टूडियो द्वारा अक्टूबर 2016 पर अस्थायी शीर्षक SK40 के तहत की गई थी, क्योंकि यह एक मुख्य अभिनेता के रूप में शिवा कार्तिक की 14वीं फिल्म थी। लेकिन KRG स्टूडियो को अधिग्रहण से पहले स्टूडियो के पीछे हटा दिया गया और अधिकार के शीर्षक द्वारा घोषित कर दिया गया। वहीं पर फरवरी 2020 में शूटिंग के मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी, जो वित्तीय मुद्दों के साथ परियोजनाओं को अभिनेताओं के प्रतिबद्धताओं की CORD द्वारा COVID-19 महामारी के कारण देरी के बाद 2021 में शुरुआत हुआ वहीं पर पूरी हुई, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी को नवंबर 2021 में हुई, जो फिल्म ने संगीत AR रहमान द्वारा फोटोग्राफी के साथ लाया गया और इस मूवी को नवंबर 2022 में जारी कर दिया, जो इनके साथ संगीत AR रहमान द्वारा लाकर अपने रूप को दिया गया, जहां पर नीरव शाह ने नियंत्रित रखा रूबेन के साथ संपादित कर दिया। फिल्म को इसमें 4,500 से अधिक दृश्य को प्रभावित करने वाले शॉट्स थे, जो किसी भारतीय फिल्म में सबसे अधिक हैं। वहीं पर आलियान को पोगाल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाओं के कारण अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण दिवाली के साथ लाया गया। वहीं पर विलंबित हो गया और इनके कथनांक जो तमीज के खुशमिजाज आदमी और टैटू नामक के एलियन से मिलता है और उससे दोस्ती करता है, उसे पता चलता है और एक दुष्ट वैज्ञानिक आर्यन के स्पार्क नामक के रहस्यमयी तत्वों का उपयोग करते हैं और उनको खतरे में डाल देगा, तथा तामीज ने टैटू को आर्यन की योजना को रोकने के लिए ग्रहण को बचाने के लिए निकल पड़ता है, तथा तामीज के रूप में शिवा कार्तिक ने एलियन उर्फ के टेडुअल रूप से जारी किया और वेंकट सेनगुटी के साथ आवाज़ दी। तारा के रूप में नकुल प्रतीक सिंह और आर्यन के रूप में शरद केलर और एलिजा के रूप में ईसा कॉपियार है। वहीं पर डेक्सटर्न विलियम्स के रूप में डेविल ब्रॉन्ट और डेविस और तामीज के रूप में बानु प्रिया है। वहीं पर इनके साथ लाया गया टाइसियन के रूप में योगी बाबू और सुनियार गथाराज जो करुणा के रूप में देखे गए और बाला सारवन ने राहुल माधव के साथ उज्जवल चोपड़ा और आर्यन इंडस्ट्री की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में अर्जुन के रूप में गीजा वर्गर्स है, जो थोंडिक रूप से जारी करते हैं। इसका उत्पादन स्टूडियो कार्तिक के पूर्व संबंध RD राजा द्वारा स्थापित और प्रोड्यूसर कंपनी के बाद वाले अभिनेता ने फिल्म की निर्माण के साथ रेमो को जारी कर दिया। सिमिया राजा को शिवा कार्तिक के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, जिससे
आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया गया जाएगा तथा इंदिरा नेत्रिक रूप से लगाइन के बाद यह उसकी दूसरी फिल्म थी जो इसके साथ लाई गई महाकांक्षी को परियोजना को बताते हैं और शिवा कार्तिक द्वारा कहा गया जहां पर इन्होंने बड़े पैमाने के साथ बनाई जाएगी जिसके साथ फिल्म को फ्लॉप रूप से ले जाने और पहले प्रोड्यूशन के कार्यों को अधिक समय मिल सके। इसके बाद राकी कुमार के स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जाएगा जबकि शिवा कार्तिक ने वेलियाकरण सीमा राजा द्वारा अभिनय किया गया तथा दिसंबर 2017 में वेनियाल द्वारा रिलीज तथा पहले शिवा कार्तिक ने स्क्रिप्ट के ड्रॉप के साथ रवि कुमार प्रोजेक्ट के दौरान दोहराया गया और यह स्पष्ट किया गया तथा प्रोड्यूशन टीमों को प्रोजेक्ट रूप से जारी और शीर्षक तकनीक शिलाओं के साथ उपयोग करने और योजना बना रही है जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगा। वहीं पर इसे 15 जनवरी 2018 को MS स्टूडियो द्वारा स्थापित शीर्षक और AK द्वारा अभिनेताओं के साथ संदर्भित कर दिया। अधिकारों को घोषित किया और AR रहमान को संगीत के साथ तैयार किया गया बोर्ड पर लाया गया था और फिल्म ने अगले महीने को निवर शाह सिनेमाग्राफी के रूप में शामिल कर दी जहां पर अतिरिक्त रूप से तकनीक शिलाओं के साथ घोषणा की गई जिसमें संपादक लियोन जॉन पॉल को कॉल निर्देशन के साथ मुथुआ स्टेट कोरियोग्राफर को जोड़ी और अनिब्रीन के बाद लाया गया। मूवी ने निर्माण के दौरान जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली थी और इसे जुलाई 2019 के माध्यम ने राजा को 24 AM स्टूडियो को वित्तीय भाषाओं के कारण निर्माण के पीछे हटने का फैसला किया। शिवा कार्तिक ने खुद को अपने बैनर और शिवा कार्तिक प्रोडक्शन के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया और पूर्ण जीवित कर लिया। KRG स्टूडियो के इस परियोजना सहित राजाओं ने प्रस्तुति को शेयर बुनाने का फैसला करते हैं। निर्माण के साथ फरवरी 2020 में फिल्मांकन आलियान को घोषित कर दिया। वहीं पर रकुल सिंह प्रतीक जो शिवा कार्तिक के साथ जोड़े गए और उनके द्वारा चुना गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया और भानुमति के बारे में बताया गया तथा इस मूवी के लाई गई श्रृंखलाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया था तथा इन्होंने अपनी साथी श्रृंखलाओं को जारी कर लिया। मूवी के अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने बारे में जारी कर देते हैं और मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाए जाते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इस मूवी को बहुत अच्छे से जारी करके अपने श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर लिया था। मूवी ने अपने आप के साथ लाई गई श्रृंखला को तत्काल रूप से जारी और तंगी के रूप में बताया जाता है। इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उन्हें किरदार द्वारा एलिजा के साथ लाया गया था। उन्होंने अपने श्रृंखलाओं को अच्छे से आयोजित कर दिए गए थे और आलियान रूप से बताया गया पृथ्वी के खतरे को देखते हुए जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपने आप के साथ श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी दे दी थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित भी कर लिया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी के साथ प्रकाश रूप से बताया गया और इन्होंने अपने ग्रुपों श्रृंखलाओं को जारी करते हुए देखे जाते हैं तथा इस मूवी के साथ अपने आप की श्रृंखलाओं के बारे में बताई गई और यह मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर दिया गया था जहां पर इस मूवी के साथ बनाकर अपने दृश्यों के ऊपर अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा बताया जाता है तथा इन्होंने अपने आप के साथ जोड़े गए थे तथा इस मूवी के साथ बनाया भी गया था। मूवी की श्रृंखला अपने रूपों के साथ दर्शाते हैं तथा इन दृश्यों के साथ अपनी समीक्षाओं के रूप में जारी भी कर देते हैं। मूवी ने अपने दृश्यों को प्रकाशन रूप से बात की जानकारी देते हैं तथा इस मूवी के रूप से जारी भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इनके आपके साथ लाकर अपने भूमिकाओं को प्रकाशित कर दिया गया था। मूवी ने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा जारी कर देते हैं तथा इनके साथ अपने आप को अच्छे से
प्रकाशित करके अपने के जरिए जोड़ा गया। मूवी की छायाकान काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को 10 के साथ लाया गया। वहीं पर 12 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और इस मूवी की रन टाइम 155 मिनट रही थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ के साथ आया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिए गए थे तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में देखा गया और इनके साथ जोड़ा गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाकर अपनी समीक्षाओं के बारे में बात करते हैं और इन्होंने कहा गया कहा वहीं पर अपने श्रृंखलाओं को जारी कर दिया और इन्होंने अपने आप के साथ देखकर बात करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाई गई अपनी भूमिकाओं को जारी कर देते हैं तथा इन दृश्यों के साथ देखे गए और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को जारी रूपों को प्रकाश के साथ बताकर अपने के जरिए देखे गए थे। वहीं पर इन्हें अच्छा रिस्पांस के साथ जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके रूपों के साथ बनाकर अपने दृश्यों और अभिनेताओं को जारी कर देते हैं और इन्होंने अपने साथ लाया गया तथा इन्होंने अपने बारे में कहा गया और इन्होंने अपने साथी को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी तथा इनके साथ जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने रुपये के साथ देखे गए हैं। वहीं पर इन्होंने अपने रुपये के साथ प्रकाशित करेगी और इस मूवी को बताया गया तथा इन्होंने अपने बारे में देखी गई और इन्होंने कहा जाता है तथा इनके साथ देखे गए थे जहां पर इन्होंने अपने रूपी को कहा जाता है। मूवी के साथ लाकर अपनी दृश्यों को एक बेहतरीन रूप प्रदान करेगी और इन्होंने बताया गया और इन्होंने अपने साथ बात करते हुए समीक्षाओं के साथ रूप को अन्य मुद्दों को सीओडीज द्वारा महामारी के कारण प्रतिबंधताओं के रूप से प्रकाशित करेगी तथा इस मूवी के साथ जारी करेगी। एयर फोटो को छायाकान के साथ देखी गई जहां पर सबसे अधिक प्रकाशित आलियान के पोगल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को सरकारी कार्यक्रमों द्वारा आलोचकों दलों द्वारा नकारात्मक समीक्षा के अधूरे पोस्ट कथनांक और खुश मिजाज के आदमी को टैटू नामक के एलियन पर मिलते हैं और उससे दोस्ती करता और उसे पता चलता और दुष्ट वैज्ञानिक जो आर्यन के संपर्क नामक रहस्यमयी तत्वों को उपयोग करते हैं और घात नोवा के साथ गैस निकालने की योजना बना रहे हैं पृथ्वी के खतरे में डाग देते हैं और तामीज को टूटे आर्यन की योजना को रोकने को ग्रह को बचाने के लिए देखा गया। वहीं पर इनके साथ स्टूडियो पर जारी कर देते हैं और इसे रघुपति सिंह ने शिवा कार्तिक के साथ उनके पहले सहयोग के साथ फरवरी 2018 में मुख्य महिला की भूमिका चुना गया था और अप्रैल ने 2018 को योगी बाबू की सूचना मिली थी और इनके साथ 27 जून 2018 को फिल्मांकन के लॉन्च के अवसर पर भानुप्रिया और कोडू डम को बाला और श्रवण समारोह को उपस्थिति के लिए सक्रिय रूप से जारी कर दिया और बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ जोड़ा गया। सिनेमा को वापसी द्वारा चिन्हित करने वाले प्रोजेक्ट के साथ देखे गए तथा इन्होंने साइन रूप से घात कर देते हैं तथा इनके किरदार को टोबी रेडेज द्वारा किरदार लारा कॉर्पोरेट को प्रेरित करते हैं। वहीं पर अगस्त 2018 में शरद ने केरल को तमिल और अपनी शुरुआत के पहली फिल्म ने नायर के रूप में चुना गया और अपने चरित्र को वर्णा द्वारा व्यक्ति के साथ भूखा देखा। हालांकि केरल ने तमिल के परिचित रूप से धारावाहिकों को अच्छा आयाम देते हैं और इनके साथ देखे गए। वहीं पर इसमें शिवा कार्तिक भी है। बताया जाता है कि शिवा कार्तिक जो 17 जनवरी 1995 को है जो एक भारतीय अभिनेताओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को गीतकार और टेलीविज़न को प्रस्तुतकर्ता और मुख्य द्वारा तमिल में काम करते हैं जहां पर इन्होंने
एडिशन जारी कर दिया और इनके साथ देखे गए थे और इस मूवी को बहुत ही अच्छे से बताया गया। मूवी की दृश्यों के साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखी गई तथा इन्होंने अपने श्रृंखला के साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ जोड़कर अपने व्यक्तित्व को शिवा कार्ती के कॉलेज के दौरान जारी कर देते हैं और इन्होंने भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया जो मंच पर मिक्री के स्टेट ऑफ द्वारा कॉमेडी के साथ प्रदर्शन किया और अपनी पढ़ाई के बीच उन्होंने 3 महीने का ब्रेक ले लिया। इस अवधि के दौरान उनके दोस्त ने कंकला पोदुगान यारू के साथ ओडियन के रूप में जान के लिए मना लिया और स्टार टीवी के साथ जारी थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में मिक्री आरटी के तौर पर की थी और भाग के प्रारंभिक अनिच्छाओं को बावजूद उन्होंने शो जीत लिया। वहीं पर मुगवात आइडेंटी फिल्म ने कुरार में शामिल और निर्माता के शिवा कार्तिक ने जारी किया उनके साथ भूमिका की पेशकश की, लेकिन उनके हिस्से के अंतिम रूप को देखा गया और इन्होंने अपने आपके साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इनके साथ लाए गई श्रृंखला के रूप में प्रकाश के साथ उम्मीद को प्राकृतिक रूप से ओवरडोज द्वारा जारी कर दिया। शिवा कार्तिक के प्रदर्शन को खूब सराहा गया और आलोचकों ने कहा कि रोमांस को भी कहा जो सैथल्य थांग को भूमिका के साथ शिवा ने आवश्यक रूप से देखा जाएगा और इनके साथ खुद को अभिनेता के रूप में प्रदर्शन के मामले में आसान नए कदम पर रखेगी तथा मरीन को रिलीज के पहले मेजबान के रूप में मंच करते हैं और उनके काम से प्रभावित होने के बाद ऐश्वर्या धनुष के साथ जोड़ा गया है जहाँ पर शिवा कार्तिक ने साइन किया गया था तथा महत्वपूर्ण रिलीज प्रचार के रूप में जारी रूप से अच्छे प्रतीकों द्वारा गंभीर रूप से बताया गया और इस मूवी को समीक्षाओं के साथ आलोचकों द्वारा जारी करते हैं तथा इन दृश्यों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को अच्छे रूप को प्रकाश रूप से देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्य के साथ लाई गई श्रृंखला के साथ प्रकाशित कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को एक बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया गया और इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथ लाकर अपने दृश्यों के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने रूपों को प्रकाशित भी करते हैं। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ बनाकर अपने दृश्यों के बारे में जानकारी दे दिया था। मूवी काफ़ी अच्छी से लाया गया था और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए देखा गया था तथा इस मूवी के साथ बनाकर अपने आप को अच्छे रेटिंगों के साथ देखकर अपने भूमिकाओं के जरिए अच्छे रिस्पांस के बाद कहा गया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके साथ कथनांक के बारे में कहा जाता है। इस मूवी को बहुत ही अच्छे से दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ देखी गई थी तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में अच्छे समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाई गई थी और इन्होंने अपने आप के साथ देखी गई और इस मूवी को अपने आप के भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए बताए गए थे तथा इस मूवी के साथ अपने के जरिए प्रकाश राउत से देखी गई और इन्होंने अपने को लाकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इनके साथ दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंगों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को प्रकाशित कर लिए और इन्होंने अपने रूप को प्रकाशित रूप से देखी गई और इन्होंने अपने भूमिकाओं को दृश्यों और आलोचकों द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और आयान मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन मूवी दिया गया था और इनकी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था।
हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आयलान मूवी के बारे में, जो अनुवादित रूप से आयलान 2024 की एक भारतीय तमिल भाषा की लेटेस्ट मूवी है, जो विज्ञान कथान के साथ आर रवि कोट्टापड़ी द्वारा राजशेखर के साथ देखी गई, जो निर्मित कर दिया। इसमें आयलान ने फिल्म श्रृंखला के पहले किस्त और भूमि अर्श में शिवा कार्तिक रूप में रकुल का प्रति सिंह की भूमिका निभाई। इसके साथ शरद केला ने ईशा के साथ व्यापक मनु योगेन बाबू के साथ एलियन की आवाज़ दी, जबकि ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दुष्ट वैज्ञानिक के साथ आघात नोवा गैस को बनाने की कोरोना के कारण रोकने के बारे में बताया गया है। एलियन के साथ मिलकर बताया गया पृथ्वीराज को खतरे में डाल दिया। वहीं पर इसका निर्देशन आर शरद कुमार और पाठकथा का लेखक भी आर शरद कुमार और के मणिरत्न है। वहीं पर अभिनेता आर रवि कुमार और उत्पादन कोट्टापट्टी जे राजेश और अभिनेता शिवा कार्तिक केयन और रकुल प्रति सिंह है, जो शरद केरल के साथ ईसा के रूप में कोपियान रूप देखी गई तथा इनका छायाकान नीरव शाह है। वहीं पर संपादन रूबेन है और इसको संगीत को ए आर रहमान द्वारा दिया गया और इसका उत्पादन कंपनी के आर जी स्टूडियो और फेटम आई एक्सल स्टूडियो रही, जो यदि ब्राह्मणों के साथ देखी गई और इसका वितरण के जी आर द्वारा स्टूडियो के साथ लाया गया। इस मूवी को 12 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया और इसके कार्यक्रम समय अवधि 155 मिनट का था। यह मूवी भारत देश में तमिल भाषा के साथ लाया गया और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की घोषणा 24 AM स्टूडियो द्वारा अक्टूबर 2016 पर अस्थायी शीर्षक SK40 के तहत की गई थी, क्योंकि यह एक मुख्य अभिनेता के रूप में शिवा कार्तिक की 14वीं फिल्म थी। लेकिन KRG स्टूडियो को अधिग्रहण से पहले स्टूडियो के पीछे हटा दिया गया और अधिकार के शीर्षक द्वारा घोषित कर दिया गया। वहीं पर फरवरी 2020 में शूटिंग के मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी, जो वित्तीय मुद्दों के साथ परियोजनाओं को अभिनेताओं के प्रतिबद्धताओं की COD द्वारा COVID-19 महामारी के कारण देरी के बाद 2021 में शुरुआत हुआ वहीं पर पूरी हुई, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी को नवंबर 2021 में हुई, जो फिल्म ने संगीत AR रहमान द्वारा फोटोग्राफी के साथ लाया गया और इस मूवी को नवंबर 2022 में जारी कर दिया, जो इनके साथ संगीत AR रहमान द्वारा लाकर अपने रूप को दिया गया, जहां पर नीरव शाह ने नियंत्रित रखा रूबेन के साथ संपादित कर दिया। फिल्म को इसमें 4,500 से अधिक दृश्य को प्रभावित करने वाले शॉट्स थे, जो किसी भारतीय फिल्म में सबसे अधिक हैं। वहीं पर आलियान को पोगाल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाओं के कारण अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण दिवाली के साथ लाया गया वहीं पर विलंबित हो गया और इनके कथनांक जो तमीज के खुशमिजाज आदमी और टैटू नामक के एलियन से मिलता है और उससे दोस्ती करता है, उसे पता चलता है और एक दुष्ट वैज्ञानिक आर्यन के स्पार्क नामक के रहस्यमयी तत्वों का उपयोग करते हैं और उनको खतरे में डाल देगा तथा तामीज ने टैटू को आर्यन की योजना को रोकने के लिए ग्रहण को बचाने के लिए निकल पड़ता है तथा तामीज के रूप में शिवा कार्तिक ने एलियन उर्फ के टेडुअल रूप से जारी किया वेंकट सेनगुटी के साथ आवाज़ दी। तारा के रूप में नकुल प्रतीक सिंह और आर्यन के रूप में शरद केलर और एलिजा के रूप में ईसा कोपियार है। वहीं पर डेक्स्टर विलियम्स के रूप में डेविल ब्रॉन्ट और डेविस और तामीज के रूप में बानु प्रिया है। वहीं पर इनके साथ लाया गया टाइजियन के रूप में योगी बाबू और सुनियार गथाराज जो करुणा के रूप में देखे गए और बाला सारवन ने राहुल माधव के साथ उज्जवल चोपड़ा और आर्यन इंडस्ट्री के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में अर्जुन के रूप में गीजा वर्गर्स है, जो थोंडिक रूप से जारी करते हैं। इसका उत्पादन स्टूडियो कार्तिक के पूर्व संबंध RD राजा द्वारा स्थापित और प्रोड्यूसर कंपनी के बाद वाले अभिनेता ने फिल्म की निर्माण के साथ रेमो को जारी कर दिया। सिमिया राजा को शिवा कार्तिक के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, जिससे
आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया गया जाएगा तथा इंदिरा नेत्रिक रूप से लगाइन के बाद यह उसकी दूसरी फिल्म थी जो इसके साथ लाई गई महाकांक्षी को परियोजना को बताते हैं और शिवा कार्तिक द्वारा कहा गया जहां पर इन्होंने बड़े पैमाने के साथ बनाई जाएगी जिसके साथ फिल्म को फ्लोप रूप से ले जाने और पहले प्रोड्यूशन के कार्यों को अधिक समय मिल सके। इसके बाद रकी कुमार के स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जाएगा जबकि शिवा कार्तिक ने वेलियाकरण सीमा राजा द्वारा अभिनय किया गया तथा दिसंबर 2017 में वेनियाल द्वारा रिलीज तथा पहले शिवा कार्तिक ने स्क्रिप्ट के ड्रॉप के साथ रवि कुमार प्रोजेक्ट के दौरान दोहराया गया और यह स्पष्ट किया गया तथा प्रोड्यूशन टीमों को प्रोजेक्ट रूप से जारी और शीर्षक तकनीक शिलाओं के साथ उपयोग करने और योजना बना रही है जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगा। वहीं पर इसे 15 जनवरी 2018 को MS स्टूडियो द्वारा स्थापित शीर्षक और एकेज द्वारा अभिनेताओं के साथ संदर्भित कर दिया। अधिकारों को घोषित किया AR रहमान को संगीत के साथ तैयार किया गया बोर्ड पर लाया गया था और फिल्म ने अगले महीने को निवर शाह सिनेमाग्राफिक के रूप में शामिल कर दी जहां पर अतिरिक्त रूप से तकनीक शिलाओं के साथ घोषणा की गई जिसमें संपादक लियोन जॉन पॉल को कॉल निर्देशन के साथ मुथुआ स्टेट कोरियोग्राफर को जोड़ी और अनिब्रीन के बाद लाया गया। मूवी ने निर्माण के दौरान जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली थी और इसे जुलाई 2019 के मध्य ने राजा को 24 AM स्टूडियो को वित्तीय भाषाओं के कारण निर्माण के पीछे हटने का फैसला किया। शिवा कार्तिक ने खुद को अपने बैनर और शिवा कार्तिक प्रोडक्शन के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया और पूर्ण जीवित कर लिया। KRG स्टूडियो के इस परियोजना सहित राजाओं ने प्रस्तुति को शेयर बुनाने का फैसला करते हैं। निर्माण के साथ फरवरी 2020 में फिल्मांकन आलियान को घोषित कर दिया। वहीं पर रकुल सिंह प्रतीक जो शिवा कार्तिक के साथ जोड़े गए और उनके द्वारा चुना गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया और भानुमति के बारे में बताया गया तथा इस मूवी के लाई गई श्रृंखलाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया था तथा इन्होंने अपनी साथी श्रृंखलाओं को जारी कर लिया। मूवी के अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने बारे में जारी कर देते हैं और मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाए जाते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इस मूवी को बहुत अच्छे से जारी करके अपने श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर लिया था। मूवी ने अपने आप के साथ लाई गई श्रृंखला को तत्काल रूप से जारी और तंगी के रूप में बताया जाता है। इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उन्हें किरदार द्वारा एलिजा के साथ लाया गया था। उन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को अच्छे से आयोजित कर दिए गए थे और आलियान रूप से बताया गया पृथ्वी के खतरे को देखते हुए जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपने आप के साथ श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी दे दी थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित भी कर लिया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी के साथ प्रकाश रूप से बताया गया और इन्होंने अपने ग्रुपों श्रृंखलाओं को जारी करते हुए देखे जाते हैं तथा इस मूवी के साथ अपने आप की श्रृंखलाओं के बारे में बताई गई और यह मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर दिया गया था जहां पर इस मूवी के साथ बनाकर अपने दृश्यों के ऊपर अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा बताया जाता है तथा इन्होंने अपने आप के साथ जोड़े गए थे तथा इस मूवी के साथ बनाया भी गया था। मूवी की श्रृंखला अपने रूपों के साथ दर्शाते हैं तथा इन दृश्यों के साथ अपनी समीक्षाओं के रूप में जारी भी कर देते हैं। मूवी ने अपने दृश्यों को प्रकाशन रूप से बात की जानकारी देते हैं तथा इस मूवी के रूप से जारी भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इनके आपके साथ लाकर अपने भूमिकाओं को प्रकाशित कर दिया गया था। मूवी ने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा जारी कर देते हैं तथा इनके साथ
अपने आप को अच्छे से प्रकाशित करके अपने के जरिए जोड़ा गया। मूवी की छायाकान काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को 10 के साथ लाया गया। वहीं पर 12 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और इस मूवी की रन टाइम 155 मिनट रही थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ के साथ आया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिए गए थे तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में देखा गया और इनके साथ जोड़ा गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाकर अपनी समीक्षाओं के बारे में बात करते हैं और इन्होंने कहा गया वहीं पर अपने श्रृंखलाओं को जारी कर दिया और इन्होंने अपने आप के साथ देखकर बात करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाई गई अपनी भूमिकाओं को जारी कर देते हैं तथा इन दृश्यों के साथ देखे गए और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को जारी रूपों को प्रकाश के साथ बताकर अपने के जरिए देखे गए थे। वहीं पर इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके रूपों के साथ बनाकर अपने दृश्यों और अभिनेताओं को जारी कर देते हैं और इन्होंने अपने साथ लाया गया तथा इन्होंने अपने बारे में कहा गया और इन्होंने अपने साथी को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी तथा इनके साथ जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने रुपये के साथ देखे गए हैं। वहीं पर इन्होंने अपने रुपये के साथ प्रकाशित करेगी और इस मूवी को बताया गया तथा इन्होंने अपने बारे में देखी गई है और इन्होंने कहा जाता है तथा इनके साथ देखे गए थे जहां पर इन्होंने अपने रूपी को कहा जाता है। मूवी के साथ लाकर अपनी दृश्यों को एक बेहतरीन रूप प्रदान करेगी और इन्होंने बताया गया और इन्होंने अपने साथ बात करते हुए समीक्षाओं के साथ रूप को अन्य मुद्दों को सीओडीज द्वारा महामारी के कारण प्रतिबद्धताओं के रूप से प्रकाशित करेगी तथा इस मूवी के साथ जारी करेगी। और फोटो को छायाकान के साथ देखी गई जहां पर सबसे अधिक प्रकाशित आलियान के पोगल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को सरकारी कार्यक्रमों द्वारा आलोचकों दलों द्वारा नकारात्मक समीक्षा के अधूरे पोस्ट कथनांक और खुश मिजाज के आदमी को टैटू नामक के एलियन पर मिलते हैं और उससे दोस्ती करता और उसे पता चलता और दुष्ट वैज्ञानिक जो आर्यन के संपर्क नामक रहस्यमयी तत्वों को उपयोग करते हैं और घात नोवा के साथ गैस निकालने की योजना बना रहे हैं, पृथ्वी के खतरे में डाग देते हैं और तामीज को टूटे आर्यन की योजना को रोकने को ग्रह को बचाने के लिए देखा गया। वहीं पर इनके साथ स्टूडियो पर जारी कर देते हैं और इसे रघुलप्रति सिंह ने शिवा कार्तिक के साथ उनके पहले सहयोग के साथ फरवरी 2018 में मुख्य महिला की भूमिका चुना गया था और अप्रैल ने 2018 को योगी बाबू की सूचना मिली थी और इनके साथ 27 जून 2018 को फिल्मांकन के लॉन्च के अवसर पर भानुप्रिया और कोडू डम को बाला और श्रवण समारोह को उपस्थिति के लिए सक्रिय रूप से जारी कर दिया और बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ जोड़ा गया। सिनेमा को वापसी द्वारा चिन्हित करने वाले प्रोजेक्ट के साथ देखे गए तथा इन्होंने साइन रूप से घात कर देते हैं तथा इनके किरदार को टोबी रेडेज द्वारा किरदार लारा कॉर्पोरेट को प्रेरित करते हैं। वहीं पर अगस्त 2018 में शरद ने केरल को तमिल और अपनी शुरुआत के पहली फिल्म ने नायर के रूप में चुना गया और अपने चरित्र को वर्णा द्वारा व्यक्ति के साथ भूखा देखा। हालांकि केरल ने तमिल के परिचित रूप से धारावाहिकों को अच्छा आयाम देते हैं और इनके साथ देखे गए। वहीं पर इसमें शिवा कार्तिक भी है। बताया जाता है कि शिवा कार्तिक जो 17 जनवरी 1995 को है जो एक भारतीय अभिनेताओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को गीतकार और टेलीविज़न को
प्रस्तुतकर्ता और मुख्य द्वारा तमिल में काम करते हैं, जहां पर इन्होंने एडिशन जारी कर दिया और इनके साथ देखे गए थे और इस मूवी को बहुत ही अच्छे से बताया गया। मूवी की दृश्यों के साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखी गई तथा इन्होंने अपने श्रृंखला के साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ जोड़कर अपने व्यक्तित्व को शिवा कार्ती के कॉलेज के दौरान जारी कर देते हैं और इन्होंने भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जो मंच पर मिक्री के स्टेट ऑफ द्वारा कॉमेडी के साथ प्रदर्शन किया। अपनी पढ़ाई के बीच उन्होंने 3 महीने का ब्रेक ले लिया। इस अवधि के दौरान उनके दोस्त ने कंकला पोदुगान यारू के साथ ओडियन के रूप में जान के लिए मना लिया और स्टार टीवी के साथ जारी थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में मिक्री आरटी के तौर पर की थी और भाग के प्रारंभिक अनिच्छाओं को बावजूद उन्होंने शो जीत लिया। वहीं पर मुगवात आइडेंटी फिल्म ने कुरहार में शामिल और निर्माता के शिवा कार्तिक ने जारी किया और उनके साथ भूमिका की पेशकश की, लेकिन उनके हिस्से के अंतिम रूप को देखा गया और इन्होंने अपने आपके साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इनके साथ लाई गई श्रृंखला के रूप में प्रकाश के साथ उम्मीद को प्राकृतिक रूप से ओवरडोज द्वारा जारी कर दिया। शिवा कार्तिक के प्रदर्शन को खूब सराहा गया और आलोचकों ने कहा कि रोमांस को भी कहा, जो सैथल्य थांग को भूमिका के साथ शिवा ने आवश्यक रूप से देखा जाएगा और इनके साथ खुद को अभिनेता के रूप में प्रदर्शन के मामले में असान्य कदम पर रखेगी तथा मरीन को रिलीज के पहले मेजबान के रूप में मंच करते हैं और उनके काम से प्रभावित होने के बाद ऐश्वर्या धनुष के साथ जोड़ा गया है, जहां पर शिवा कार्तिक ने साइन किया गया था तथा महत्वपूर्ण रिलीज प्रचार के रूप में जारी रूप से अच्छे प्रोटिकों द्वारा गंभीर रूप से बताया गया और इस मूवी को समीक्षाओं के साथ आलोचकों द्वारा जारी करते हैं तथा इन दृश्यों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को अच्छे रूप को प्रकाश रूप से देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्य के साथ लाई गई श्रृंखला के साथ प्रकाशित कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया और इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथ लाकर अपने दृश्यों के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने रूपों को प्रकाशित भी करते हैं। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ बनाकर अपने दृश्यों के बारे में जानकारी दे दिया था। मूवी काफ़ी अच्छी से लाया गया था और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए देखा गया था तथा इस मूवी के साथ बनाकर अपने आप को अच्छे रेटिंगों के साथ देखकर अपने भूमिकाओं के जरिए अच्छे रिस्पॉन्स के बाद कहा गया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके साथ कथनांक के बारे में कहा जाता है, इस मूवी को बहुत ही अच्छे से दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ देखी गई थी तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में अच्छे समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाई गई थी और इन्होंने अपने आप के साथ देखी गई और इस मूवी को अपने आप के भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए बताए गए थे तथा इस मूवी के साथ अपने के जरिए प्रकाश राउत से देखी गई और इन्होंने अपने को लाकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इनके साथ दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंगों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को प्रकाशित कर लिए और इन्होंने अपने रूप को प्रकाशित रूप से देखी गई और इन्होंने अपने भूमिकाओं को दृश्यों और आलोचकों द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और आयान मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन मूवी दिया गया था और इनकी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था।
हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आयलान मूवी के बारे में, जो अनुवादित रूप से आयलान 2024 की एक भारतीय तमिल भाषा की लेटेस्ट मूवी है, जो विज्ञान कथान के साथ आर रवि कोट्टापिडिक द्वारा राजशेखर के साथ दिखी गई जो निर्मित कर दिया। इसमें आयलान ने फिल्म श्रृंखला के पहले किस्त और भूमि अर्श में शिवा कार्तिक रूप में रकुल का प्रतीक सिंह की भूमिका निभाई। इसके साथ शरद केला ने ईशा के साथ व्यापक मनु योगेन बाबू के साथ एलियन की आवाज़ दी, जबकि ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दुष्ट वैज्ञानिक के साथ आघात नोवा गैस को बनाने की कोरोना के काल में रोकने के बारे में बताया गया है। एलियन के साथ मिलकर बताया गया पृथ्वीराज को खतरे में डाल दिया। वहीं पर इसका निर्देशन आर शरद कुमार और पाठकथा का लेखक भी आर शरद कुमार और के मणिरत्न है। वहीं पर अभिनेता आर रवि कुमार और उत्पादन कोट्टापट्टित जे राजेश और अभिनेता शिवा कार्तिक केयन और रकुल प्रतीक सिंह है, जो शरद केरल के साथ ईसा के रूप में कोपियान रूप देखी गई तथा इनका छायाकान नीरव शाह है। वहीं पर संपादन रूबेन है और इसको संगीत को ए आर रहमान द्वारा दिया गया। इसका उत्पादन कंपनी के आर जी स्टूडियो और फेटम आई एक्सल स्टूडियो रही, जो यदि ब्राह्मणों के साथ देखी गई, और इसका वितरण के जी आर द्वारा स्टूडियो के साथ लाया गया। इस मूवी को 12 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया और इसके कार्यक्रम समय अवधि 155 मिनट का था। यह मूवी भारत देश में तमिल भाषा के साथ लाया गया और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की घोषणा 24 AM स्टूडियो द्वारा अक्टूबर 2016 पर अस्थायी शीर्षक SK40 के तहत की गई थी, क्योंकि यह एक मुख्य अभिनेता के रूप में शिवा कार्तिक की 14वीं फिल्म थी। लेकिन KRG स्टूडियो को अधिग्रहण से पहले स्टूडियो के पीछे हटा दिया गया और अधिकार के शीर्षक द्वारा घोषित कर दिया गया। वहीं पर फरवरी 2020 में शूटिंग के मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी, जो वित्तीय मुद्दों के साथ परियोजनाओं को अभिनेताओं के प्रतिबद्धताओं की COD द्वारा COVID-19 महामारी के कारण देरी के बाद 2021 में शुरुआत हुआ वहीं पर पूरी हुई, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी को नवंबर 2021 में हुई, जो फिल्म ने संगीत AR रहमान द्वारा फोटोग्राफी के साथ लाया गया और इस मूवी को नवंबर 2022 में जारी कर दिया, जो इनके साथ संगीत AR रहमान द्वारा लाकर अपने रूप को दिया गया, जहाँ पर नीरव शाह ने नियंत्रित रखा रूबेन के साथ संपादित कर दिया। फिल्म को इसमें 4,500 से अधिक दृश्य को प्रभावित करने वाले शॉट्स थे, जो किसी भारतीय फिल्म में सबसे अधिक हैं। वहीं पर आलियान को पोगाल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाओं के कारण अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण दिवाली के साथ लाया गया। वहीं पर विलंबित हो गया और इनके कथनांक जो तमीज के खुशमिजाज आदमी और टैटू नामक के एलियन से मिलता है और उससे दोस्ती करता है, उसे पता चलता है और एक दुष्ट वैज्ञानिक आर्यन के स्पार्क नामक के रहस्यमयी तत्वों का उपयोग करते हैं और उनको खतरे में डाल देगा, तथा तामीज ने टैटू को आर्यन की योजना को रोकने के लिए ग्रहण को बचाने के लिए निकल पड़ता है, तथा तामीज के रूप में शिवा कार्तिक ने एलियन उर्फ के टेडुअल रूप से जारी किया और वेंकट सेनगुटी के साथ आवाज़ दी। तारा के रूप में नकुल प्रतीक सिंह और आर्यन के रूप में शरद केलर और एलिजा के रूप में ईसा कॉपियार है। वहीं पर डेक्सटर्न विलियम्स के रूप में डेविल ब्रॉन्ट और डेविस और तामीज के रूप में बानु प्रिया है। वहीं पर इनके साथ लाया गया टाइजियन के रूप में योगी बाबू और सुनियार गथाराज जो करुणा के रूप में देखे गए और बाला सारवन ने राहुल माधव के साथ उज्जवल चोपड़ा और आर्यन इंडस्ट्री की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में अर्जुन के रूप में गीजा वर्गर्स है, जो थोंडिक रूप से जारी करते हैं। इसका उत्पादन स्टूडियो कार्तिक के पूर्व संबंध RD राजा द्वारा स्थापित और प्रोड्यूसर कंपनी के बाद वाले अभिनेता ने फिल्म की निर्माण के साथ रेमो को जारी कर दिया। सिमिया राजा को शिवा कार्तिक के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, जिससे
आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया गया जाएगा तथा इंदिरा नेत्रिक रूप से लगाइन के बाद यह उसकी दूसरी फिल्म थी जो इसके साथ लाई गई महाकांक्षी को परियोजना को बताते हैं और शिवा कार्तिक द्वारा कहा गया जहां पर इन्होंने बड़े पैमाने के साथ बनाई जाएगी जिसके साथ फिल्म को फ्लोप रूप से ले जाने और पहले प्रोड्यूशन के कार्यों को अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार के स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जाएगा जबकि शिवा कार्तिक ने वेलियाकरण सीमा राजा द्वारा अभिनय किया गया तथा दिसंबर 2017 में वेनियाल द्वारा रिलीज तथा पहले शिवा कार्तिक ने स्क्रिप्ट के ड्रॉप के साथ रवि कुमार प्रोजेक्ट के दौरान दोहराया गया और यह स्पष्ट किया गया तथा प्रोडक्शन टीमों को प्रोजेक्ट रूप से जारी और शीर्षक तकनीक शिलाओं के साथ उपयोग करने और योजना बना रही है जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगा। वहीं पर इसे 15 जनवरी 2018 को MS स्टूडियो द्वारा स्थापित शीर्षक और AK द्वारा अभिनेताओं के साथ संदर्भित कर दिया। अधिकारों को घोषित किया और AR रहमान को संगीत के साथ तैयार किया गया बोर्ड पर लाया गया था और फिल्म ने अगले महीने को निवर शाह सिनेमाग्राफिक के रूप में शामिल कर दी जहां पर अतिरिक्त रूप से तकनीक शिलाओं के साथ घोषणा की गई जिसमें संपादक लियोन जॉन पॉल को कॉल निर्देशन के साथ मुथुआ स्टेट कोरियोग्राफर को जोड़ी और अनिब्रीन के बाद लाया गया। मूवी ने निर्माण के दौरान जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली थी और इसे जुलाई 2019 के माध्यम ने राजा को 24 AM स्टूडियो को वित्तीय भाषाओं के कारण निर्माण के पीछे हटने का फैसला किया। शिवा कार्तिक ने खुद को अपने बैनर और शिवा कार्तिक प्रोडक्शन के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया और पूर्ण जीवित कर लिया। KRG स्टूडियो के इस परियोजना सहित राजाओं ने प्रस्तुति को शेयर बुनाने का फैसला करते हैं। निर्माण के साथ फरवरी 2020 में फिल्मांकन आलियान को घोषित कर दिया। वहीं पर रकुल सिंह प्रतीक जो शिवा कार्तिक के साथ जोड़े गए और उनके द्वारा चुना गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया और भानुमति के बारे में बताया गया तथा इस मूवी के लाई गई श्रृंखलाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया था तथा इन्होंने अपनी साथी श्रृंखलाओं को जारी कर लिया। मूवी के अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने बारे में जारी कर देते हैं और मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाए जाते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इस मूवी को बहुत अच्छे से जारी करके अपने श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर लिया था। मूवी ने अपने आप के साथ लाई गई श्रृंखला को तत्काल रूप से जारी और तंगी के रूप में बताया जाता है। इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उन्हें किरदार द्वारा एलिजा के साथ लाया गया था। उन्होंने अपने श्रृंखलाओं को अच्छे से आयोजित कर दिए गए थे और आलियान रूप से बताया गया पृथ्वी के खतरे को देखते हुए जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपने आप के साथ श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी दे दी थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित भी कर लिया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी के साथ प्रकाश रूप से बताया गया और इन्होंने अपने ग्रुपों श्रृंखलाओं को जारी करते हुए देखे जाते हैं तथा इस मूवी के साथ अपने आप की श्रृंखलाओं के बारे में बताई गई और यह मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर दिया गया था जहां पर इस मूवी के साथ बनाकर अपने दृश्यों के ऊपर अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा बताया जाता है तथा इन्होंने अपने आप के साथ जोड़े गए थे तथा इस मूवी के साथ बनाया भी गया था। मूवी की श्रृंखला अपने रूपों के साथ दर्शाते हैं तथा इन दृश्यों के साथ अपनी समीक्षाओं के रूप में जारी भी कर देते हैं। मूवी ने अपने दृश्यों को प्रकाशन रूप से बात की जानकारी देते हैं तथा इस मूवी के रूप से जारी भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इनके आपके साथ लाकर अपने भूमिकाओं को प्रकाशित कर दिया गया था। मूवी ने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा जारी कर देते हैं तथा इनके साथ अपने आप को अच्छे से
प्रकाशित करके अपने के जरिए जोड़ा गया। मूवी की छायाकान काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को 10 के साथ लाया गया। वहीं पर 12 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और इस मूवी की रन टाइम 155 मिनट रही थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ के साथ आया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिए गए थे तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में देखा गया और इनके साथ जोड़ा गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाकर अपनी समीक्षाओं के बारे में बात करते हैं और इन्होंने कहा गया कहा यहीं पर अपने श्रृंखलाओं को जारी कर दिया और इन्होंने अपने आप के साथ देखकर बात करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाई गई अपनी भूमिकाओं को जारी कर देते हैं तथा इन दृश्यों के साथ देखे गए और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को जारी रूपों को प्रकाश के साथ बताकर अपने के जरिए देखे गए थे। वहीं पर इन्हें अच्छा रिस्पांस के साथ जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके रूपों के साथ बनाकर अपने दृश्यों और अभिनेताओं को जारी कर देते हैं और इन्होंने अपने साथ लाया गया तथा इन्होंने अपने बारे में कहा गया और इन्होंने अपने साथी को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी तथा इनके साथ जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने रुपये के साथ देखे गए हैं। वहीं पर इन्होंने अपने रुपये के साथ प्रकाशित करेगी और इस मूवी को बताया गया तथा इन्होंने अपने बारे में देखी गई है और इन्होंने कहा जाता है तथा इनके साथ देखे गए थे जहां पर इन्होंने अपने रूपी को कहा जाता है। मूवी के साथ लाकर अपनी दृश्यों को एक बेहतरीन रूप प्रदान करेगी और इन्होंने बताया गया और इन्होंने अपने साथ बात करते हुए समीक्षाओं के साथ रूप को अन्य मुद्दों को सीओडीज द्वारा महामारी के कारण प्रतिबंधताओं के रूप से प्रकाशित करेगी तथा इस मूवी के साथ जारी करेगी। एयर फोटो को छायाकान के साथ देखी गई जहां पर सबसे अधिक प्रकाशित आलियान के पोगल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को सरकारी कार्यक्रमों द्वारा आलोचकों दलों द्वारा नकारात्मक समीक्षा के अधूरे पोस्ट कथनांक और खुश मिजाज के आदमी को टैटू नामक के एलियन पर मिलते हैं और उससे दोस्ती करता और उसे पता चलता और दुष्ट वैज्ञानिक जो आर्यन के संपर्क नामक रहस्यमयी तत्वों को उपयोग करते हैं और घात नोवा के साथ गैस निकालने की योजना बना रहे हैं, पृथ्वी के खतरे में डाग देते हैं और तामीज को टूटे आर्यन की योजना को रोकने को ग्रह को बचाने के लिए देखा गया। वहीं पर इनके साथ स्टूडियो पर जारी कर देते हैं और इसे रघुपति सिंह ने शिवा कार्तिक के साथ उनके पहले सहयोग के साथ फरवरी 2018 में मुख्य महिला की भूमिका चुना गया था और अप्रैल ने 2018 को योगी बाबू की सूचना मिली थी और इनके साथ 27 जून 2018 को फिल्मांकन के लॉन्च के अवसर पर भानुप्रिया और कोडू डम को बाला और श्रवण समारोह को उपस्थिति के लिए सक्रिय रूप से जारी कर दिया और बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ जोड़ा गया। सिनेमा को वापसी द्वारा चिन्हित करने वाले प्रोजेक्ट के साथ देखे गए तथा इन्होंने साइन रूप से घात कर देते हैं तथा इनके किरदार को टोबी रेडेज द्वारा किरदार लारा कॉर्पोरेट को प्रेरित करते हैं। वहीं पर अगस्त 2018 में शरद ने केरल को तमिल और अपनी शुरुआत के पहली फिल्म ने नायर के रूप में चुना गया और अपने चरित्र को वर्णा द्वारा व्यक्ति के साथ भूखा देखा। हालांकि केरल ने तमिल के परिचित रूप से धारावाहिकों को अच्छा आयाम देते हैं और इनके साथ देखे गए। वहीं पर इसमें शिवा कार्तिक भी है। बताया जाता है कि शिवा कार्तिक जो 17 जनवरी 1995 को है जो एक भारतीय अभिनेताओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को गीतकार और टेलीविज़न को
प्रस्तुतकर्ता और मुख्य द्वारा तमिल में काम करते हैं, जहां पर इन्होंने एडिशन जारी कर दिया और इनके साथ देखे गए थे और इस मूवी को बहुत ही अच्छे से बताया गया। मूवी की दृश्यों के साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखी गई तथा इन्होंने अपने श्रृंखला के साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ जोड़कर अपने व्यक्तित्व को शिवा कार्ती के कॉलेज के दौरान जारी कर देते हैं और इन्होंने भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जो मंच पर मिक्री के स्टेट ऑफ द्वारा कॉमेडी के साथ प्रदर्शन किया। अपनी पढ़ाई के बीच उन्होंने 3 महीने का ब्रेक ले लिया। इस अवधि के दौरान उनके दोस्त ने कंकला पोदुगान यारू के साथ ओडियन के रूप में जान के लिए मना लिया और स्टार टीवी के साथ जारी थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में मिक्री आरटी के तौर पर की थी और भाग के प्रारंभिक अनिच्छाओं को बावजूद उन्होंने शो जीत लिया। वहीं पर मुगवात आइडेंटी फिल्म ने कुरहार में शामिल और निर्माता के शिवा कार्तिक ने जारी किया और उनके साथ भूमिका की पेशकश की, लेकिन उनके हिस्से के अंतिम रूप को देखा गया और इन्होंने अपने आपके साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इनके साथ लाए गई श्रृंखला के रूप में प्रकाश के साथ उम्मीद को प्राकृतिक रूप से ओवरडोज द्वारा जारी कर दिया। शिवा कार्तिक के प्रदर्शन को खूब सराहा गया और आलोचकों ने कहा कि रोमांस को भी कहा, जो सेथल या थांग को भूमिका के साथ शिवा ने आवश्यक रूप से देखा जाएगा और इनके साथ खुद को अभिनेता के रूप में प्रदर्शन के मामले में आसान ने कदम पर रखेगी तथा मरीन को रिलीज के पहले मेजबान के रूप में मंच करते हैं और उनके काम से प्रभावित होने के बाद ऐश्वर्या धनुष के साथ जोड़ा गया है, जहां पर शिवा कार्तिक ने साइन किया गया था तथा महत्वपूर्ण रिलीज प्रचार के रूप में जारी रूप से अच्छे प्रतीकों द्वारा गंभीर रूप से बताया गया और इस मूवी को समीक्षाओं के साथ आलोचकों द्वारा जारी करते हैं तथा इन दृश्यों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को अच्छे रूप को प्रकाश रूप से देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्य के साथ लाई गई श्रृंखला के साथ प्रकाशित कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाए गए श्रृंखलाओं को एक बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया गया और इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथ लाकर अपने दृश्यों के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने रूपों को प्रकाशित भी करते हैं। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ बनाकर अपने दृश्यों के बारे में जानकारी दे दिया था। मूवी काफ़ी अच्छी से लाया गया था और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए देखा गया था तथा इस मूवी के साथ बनाकर अपने आप को अच्छे रेटिंगों के साथ देखकर अपने भूमिकाओं के जरिए अच्छे रिस्पांस के बाद कहा गया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके साथ कथनांक के बारे में कहा जाता है, इस मूवी को बहुत ही अच्छे से दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ देखी गई थी तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में अच्छे समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाई गई थी और इन्होंने अपने आप के साथ देखी गई और इस मूवी को अपने आप के भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए बताए गए थे तथा इस मूवी के साथ अपने के जरिए प्रकाश राउत से देखी गई और इन्होंने अपने को लाकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इनके साथ दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंगों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को प्रकाशित कर लिए और इन्होंने अपने रूप को प्रकाशित रूप से देखी गई और इन्होंने अपने भूमिकाओं को दृश्यों और आलोचकों द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और आयान मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन मूवी दिया गया था और इनकी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था।
हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आयलान मूवी के बारे में, जो अनुवादित रूप से आयलान 2024 की एक भारतीय तमिल भाषा की लेटेस्ट मूवी है, जो विज्ञान कथान के साथ आर रवि कोटापिडिक द्वारा राजशेखर के साथ दिखी गई जो निर्मित कर दिया। इसमें आयलान ने फिल्म श्रृंखला के पहले किस्त और भूमि अर्श में शिवा कार्तिक रूप में रकुल का प्रतीक सिंह की भूमिका निभाई। इसके साथ शरद केला ने ईशा के साथ व्यापक मनु योगेन बाबू के साथ एलियन की आवाज़ दी, जबकि ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दुष्ट वैज्ञानिक के साथ आघात नोवा गैस को बनाने की कोरोना के कारण रोकने के बारे में बताया गया है। एलियन के साथ मिलकर बताया गया पृथ्वीराज को खतरे में डाल दिया। वहीं पर इसका निर्देशन आर शरद कुमार और पाठकथा का लेखक भी आर शरद कुमार और के मणिरत्न है। वहीं पर अभिनेता आर रवि कुमार और उत्पादन कोटा पटित जे राजेश और अभिनेता शिवा कार्तिक के एन और रकुल प्रति सिंह है, जो शरद केरल के साथ ईसा के रूप में कोपियान रूप देखी गई तथा इनका छायाकान नीरव शाह है। वहीं पर संपादन रूबेन है और इसको संगीत को ए आर रहमान द्वारा दिया गया और इसका उत्पादन कंपनी के आर जी स्टूडियो और फेटम आई एक्सल स्टूडियो रही, जो यदि ब्राह्मणों के साथ देखी गई और इसका वितरण KGR द्वारा स्टूडियो के साथ लाया गया। इस मूवी को 12 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया और इसके कार्यक्रम समय अवधि 155 मिनट का था। यह मूवी भारत देश में तमिल भाषा के साथ लाया गया और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की घोषणा 24 AM स्टूडियो द्वारा अक्टूबर 2016 पर अस्थायी शीर्षक SK40 के तहत की गई थी, क्योंकि यह एक मुख्य अभिनेता के रूप में शिवा कार्तिक की 14वीं फिल्म थी। लेकिन KRG स्टूडियो को अधिग्रहण से पहले स्टूडियो के पीछे हटा दिया गया और अधिकार के शीर्षक द्वारा घोषित कर दिया गया। वहीं पर फरवरी 2020 में शूटिंग के मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी, जो वित्तीय मुद्दों के साथ परियोजनाओं को अभिनेताओं के प्रतिबद्धताओं की COD द्वारा COVID-19 महामारी के कारण देरी के बाद 2021 में शुरुआत हुआ वहीं पर पूरी हुई, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी को नवंबर 2021 में हुई, जो फिल्म ने संगीत AR रहमान द्वारा फोटोग्राफी के साथ लाया गया और इस मूवी को नवंबर 2022 में जारी कर दिया, जो इनके साथ संगीत AR रहमान द्वारा लाकर अपने रूप को दिया गया, जहां पर नीरव शाह ने नियंत्रित रखा रूबेन के साथ संपादित कर दिया। फिल्म को इसमें 4,500 से अधिक दृश्य को प्रभावित करने वाले शॉट्स थे, जो किसी भारतीय फिल्म में सबसे अधिक हैं। वहीं पर आलियान को पोगाल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाओं के कारण अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण दिवाली के साथ लाया गया वहीं पर विलंबित हो गया और इनके कथनांक जो तमीज के खुशमिजाज आदमी और टैटू नामक के एलियन से मिलता है और उससे दोस्ती करता है, उसे पता चलता है और एक दुष्ट वैज्ञानिक आर्यन के स्पार्क नामक के रहस्यमयी तत्वों का उपयोग करते हैं और उनको खतरे में डाल देगा तथा तामीज ने टैटू को आर्यन की योजना को रोकने के लिए ग्रहण को बचाने के लिए निकल पड़ता है तथा तामीज के रूप में शिवा कार्तिक ने एलियन उर्फ के टेडुअल रूप से जारी किया वेंकट सेनगुटी के साथ आवाज़ दी। तारा के रूप में नकुल प्रतीक सिंह और आर्यन के रूप में शरद केलर और एलिजा के रूप में ईसा कोपियार है। वहीं पर डेक्सटर्न विलियम्स के रूप में डेविल ब्रॉन्ट और डेविस और तामीज के रूप में बानु प्रिया है। वहीं पर इनके साथ लाया गया टाइजियन के रूप में योगी बाबू और सुनियार गथाराज जो करुणा के रूप में देखे गए और बाला सारवन ने राहुल माधव के साथ उज्जवल चोपड़ा और आर्यन इंडस्ट्री की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में अर्जुन के रूप में गीजा वर्गर्स है, जो थोंडिक रूप से जारी करते हैं। इसका उत्पादन स्टूडियो कार्तिक के पूर्व संबंध RD राजा द्वारा स्थापित और प्रोड्यूसर कंपनी के बाद वाले अभिनेता ने फिल्म की निर्माण के साथ रेमो को जारी कर दिया। सिमिया राजा को शिवा कार्तिक के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, जिससे
आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया गया जाएगा तथा इंदिरा नेत्रिक रूप से लगाइन के बाद यह उसकी दूसरी फिल्म थी जो इसके साथ लाई गई महाकांक्षी को परियोजना को बताते हैं और शिवा कार्तिक द्वारा कहा गया जहां पर इन्होंने बड़े पैमाने के साथ बनाई जाएगी जिसके साथ फिल्म को फ्लोप रूप से ले जाने और पहले प्रोड्यूशन के कार्यों को अधिक समय मिल सके। इसके बाद राकी कुमार के स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जाएगा जबकि शिवा कार्तिक ने वेलियाकरण सीमा राजा द्वारा अभिनय किया गया तथा दिसंबर 2017 में वेनियाल द्वारा रिलीज तथा पहले शिवा कार्तिक ने स्क्रिप्ट के ड्रॉप के साथ रवि कुमार प्रोजेक्ट के दौरान दोहराया गया और यह स्पष्ट किया गया तथा प्रोड्यूशन टीमों को प्रोजेक्ट रूप से जारी और शीर्षक तकनीक शिलाओं के साथ उपयोग करने और योजना बना रही है जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगा। वहीं पर इसे 15 जनवरी 2018 को MS स्टूडियो द्वारा स्थापित शीर्षक और AK द्वारा अभिनेताओं के साथ संदर्भित कर दिया। अधिकारों को घोषित किया AR रहमान को संगीत के साथ तैयार किया गया बोर्ड पर लाया गया था और फिल्म ने अगले महीने को निवर शाह सिनेमाग्राफिक के रूप में शामिल कर दी जहां पर अतिरिक्त रूप से तकनीक शिलाओं के साथ घोषणा की गई जिसमें संपादक लियोन जॉन पॉल को कॉल निर्देशन के साथ मुथुआ स्टेट कोरियोग्राफर को जोड़ी और अनिब्रीन के बाद लाया गया। मूवी ने निर्माण के दौरान जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली थी और इसे जुलाई 2019 के माध्यम ने राजा को 24 AM स्टूडियो को वित्तीय भाषाओं के कारण निर्माण के पीछे हटने का फैसला किया। शिवा कार्तिक ने खुद को अपने बैनर और शिवा कार्तिक प्रोडक्शन के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया और पूर्ण जीवित कर लिया। KRG स्टूडियो के इस परियोजना सहित राजाओं ने प्रस्तुति को शेयर बुनाने का फैसला करते हैं। निर्माण के साथ फरवरी 2020 में फिल्मांकन आलियान को घोषित कर दिया। वहीं पर रकुल सिंह प्रतीक जो शिवा कार्तिक के साथ जोड़े गए और उनके द्वारा चुना गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया और भानुमति के बारे में बताया गया तथा इस मूवी के लाई गई श्रृंखलाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया था तथा इन्होंने अपनी साथी श्रृंखलाओं को जारी कर लिया। मूवी के अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने बारे में जारी कर देते हैं और मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाए जाते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इस मूवी को बहुत अच्छे से जारी करके अपने श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर लिया था। मूवी ने अपने आप के साथ लाई गई श्रृंखला को तत्काल रूप से जारी और तंगी के रूप में बताया जाता है। इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उन्हें किरदार द्वारा एलिजा के साथ लाया गया था। उन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को अच्छे से आयोजित कर दिए गए थे और आलियान रूप से बताया गया पृथ्वी के खतरे को देखते हुए जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपने आप के साथ श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी दे दी थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित भी कर लिया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी के साथ प्रकाश रूप से बताया गया और इन्होंने अपने ग्रुपों श्रृंखलाओं को जारी करते हुए देखे जाते हैं तथा इस मूवी के साथ अपने आप की श्रृंखलाओं के बारे में बताई गई और यह मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर दिया गया था जहां पर इस मूवी के साथ बनाकर अपने दृश्यों के ऊपर अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा बताया जाता है तथा इन्होंने अपने आप के साथ जोड़े गए थे तथा इस मूवी के साथ बनाया भी गया था। मूवी की श्रृंखला अपने रूपों के साथ दर्शाते हैं तथा इन दृश्यों के साथ अपनी समीक्षाओं के रूप में जारी भी कर देते हैं। मूवी ने अपने दृश्यों को प्रकाशन रूप से बात की जानकारी देते हैं तथा इस मूवी के रूप से जारी भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इनके आपके साथ लाकर अपने भूमिकाओं को प्रकाशित कर दिया गया था। मूवी ने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा जारी कर देते हैं तथा इनके साथ
अपने आप को अच्छे से प्रकाशित करके अपने के जरिए जोड़ा गया। मूवी की छायाकान काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को 10 के साथ लाया गया। वहीं पर 12 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और इस मूवी की रन टाइम 155 मिनट रही थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ के साथ आया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिए गए थे तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में देखा गया और इनके साथ जोड़ा गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाकर अपनी समीक्षाओं के बारे में बात करते हैं और इन्होंने कहा गया वहीं पर अपने श्रृंखलाओं को जारी कर दिया और इन्होंने अपने आप के साथ देखकर बात करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाई गई अपनी भूमिकाओं को जारी कर देते हैं तथा इन दृश्यों के साथ देखे गए और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को जारी रूपों को प्रकाश के साथ बताकर अपने के जरिए देखे गए थे। वहीं पर इन्हें अच्छा रिस्पांस के साथ जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके रूपों के साथ बनाकर अपने दृश्यों और अभिनेताओं को जारी कर देते हैं और इन्होंने अपने साथ लाया गया तथा इन्होंने अपने बारे में कहा गया और इन्होंने अपने साथी को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी तथा इनके साथ जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने रुपये के साथ देखे गए हैं। वहीं पर इन्होंने अपने रुपये के साथ प्रकाशित करेगी और इस मूवी को बताया गया तथा इन्होंने अपने बारे में देखी गई है और इन्होंने कहा जाता है तथा इनके साथ देखे गए थे जहां पर इन्होंने अपने रूपी को कहा जाता है। मूवी के साथ लाकर अपनी दृश्यों को एक बेहतरीन रूप प्रदान करेगी और इन्होंने बताया गया और इन्होंने अपने साथ बात करते हुए समीक्षाओं के साथ रूप को अन्य मुद्दों को सीओडीज द्वारा महामारी के कारण प्रतिबद्धताओं के रूप से प्रकाशित करेगी तथा इस मूवी के साथ जारी करेगी। और फोटो को छायाकान के साथ देखी गई जहां पर सबसे अधिक प्रकाशित आलियान के पोगल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को सरकारी कार्यक्रमों द्वारा आलोचकों दलों द्वारा नकारात्मक समीक्षा के अधूरे पोस्ट कथनांक और खुश मिजाज के आदमी को टैटू नामक के एलियन पर मिलते हैं और उससे दोस्ती करता और उसे पता चलता और दुष्ट वैज्ञानिक जो आर्यन के संपर्क नामक रहस्यमयी तत्वों को उपयोग करते हैं और घात नोवा के साथ गैस निकालने की योजना बना रहे हैं, पृथ्वी के खतरे में डाग देते हैं और तामीज को टूटे आर्यन की योजना को रोकने को ग्रह को बचाने के लिए देखा गया। वहीं पर इनके साथ स्टूडियो पर जारी कर देते हैं और इसे रघुपति सिंह ने शिवा कार्तिक के साथ उनके पहले सहयोग के साथ फरवरी 2018 में मुख्य महिला की भूमिका चुना गया था और अप्रैल ने 2018 को योगी बाबू की सूचना मिली थी और इनके साथ 27 जून 2018 को फिल्मांकन के लॉन्च के अवसर पर भानुप्रिया और कोडू डम को बाला और श्रवण समारोह को उपस्थिति के लिए सक्रिय रूप से जारी कर दिया और बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ जोड़ा गया। सिनेमा को वापसी द्वारा चिन्हित करने वाले प्रोजेक्ट के साथ देखे गए तथा इन्होंने साइन रूप से घात कर देते हैं तथा इनके किरदार को टोबी रेडेज द्वारा किरदार लारा कॉर्पोरेट को प्रेरित करते हैं। वहीं पर अगस्त 2018 में शरद ने केरल को तमिल और अपनी शुरुआत के पहली फिल्म ने नायर के रूप में चुना गया और अपने चरित्र को वर्णा द्वारा व्यक्ति के साथ भूखा देखा। हालांकि केरल ने तमिल के परिचित रूप से धारावाहिकों को अच्छा आयाम देते हैं और इनके साथ देखे गए। वहीं पर इसमें शिवा कार्तिक भी है। बताया जाता है कि शिवा कार्तिक जो 17 जनवरी 1995 को है जो एक भारतीय अभिनेताओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को गीतकार और टेलीविज़न को
प्रस्तुतकर्ता और मुख्य द्वारा तमिल में काम करते हैं, जहां पर इन्होंने एडिशन जारी कर दिया और इनके साथ देखे गए थे और इस मूवी को बहुत ही अच्छे से बताया गया। मूवी की दृश्यों के साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखी गई तथा इन्होंने अपने श्रृंखला के साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ जोड़कर अपने व्यक्तित्व को शिवा कार्ती के कॉलेज के दौरान जारी कर देते हैं और इन्होंने भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जो मंच पर मिक्री के स्टेट ऑफ द्वारा कॉमेडी के साथ प्रदर्शन किया। अपनी पढ़ाई के बीच उन्होंने 3 महीने का ब्रेक ले लिया। इस अवधि के दौरान उनके दोस्त ने कंकला पोदुगान यारू के साथ ओडियन के रूप में जान के लिए मनाली और स्टार टीवी के साथ जारी थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में मिक्री आरटी के तौर पर की थी और भाग के प्रारंभिक अनिच्छाओं को बावजूद उन्होंने शो जीत लिया। वहीं पर मुगवात आइडेंटी फिल्म ने कुरहार में शामिल और निर्माता के शिवा कार्तिक ने जारी किया और उनके साथ भूमिका की पेशकश की, लेकिन उनके हिस्से के अंतिम रूप को देखा गया और इन्होंने अपने आपके साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इनके साथ लाई गई श्रृंखला के रूप में प्रकाश के साथ उम्मीद को प्राकृतिक रूप से ओवरड्यूज द्वारा जारी कर दिया। शिवा कार्तिक के प्रदर्शन को खूब सराहा गया और आलोचकों ने कहा कि रोमांस को भी कहा, जो सैथल्य थांग को भूमिका के साथ शिवा ने आवश्यक रूप से देखा जाएगा और इनके साथ खुद को अभिनेता के रूप में प्रदर्शन के मामले में असामान्य कदम पर रखेगी तथा मरीन को रिलीज के पहले मेजबान के रूप में मंच करते हैं और उनके काम से प्रभावित होने के बाद ऐश्वर्या धनुष के साथ जोड़ा गया है, जहां पर शिवा कार्तिक ने साइन किया गया था तथा महत्वपूर्ण रिलीज प्रचार के रूप में जारी रूप से अच्छे प्रोटिकों द्वारा गंभीर रूप से बताया गया और इस मूवी को समीक्षाओं के साथ आलोचकों द्वारा जारी करते हैं तथा इन दृश्यों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को अच्छे रूप को प्रकाश रूप से देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्य के साथ लाई गई श्रृंखला के साथ प्रकाशित कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया और इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथ लाकर अपने दृश्यों के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने रूपों को प्रकाशित भी करते हैं। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ बनाकर अपने दृश्यों के बारे में जानकारी दे दिया था। मूवी काफ़ी अच्छी से लाया गया था और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए देखा गया था तथा इस मूवी के साथ बनाकर अपने आप को अच्छे रेटिंगों के साथ देखकर अपने भूमिकाओं के जरिए अच्छे रिस्पॉन्स के बाद कहा गया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके साथ कथनांक के बारे में कहा जाता है, इस मूवी को बहुत ही अच्छे से दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ देखी गई थी तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में अच्छे समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाई गई थी और इन्होंने अपने आप के साथ देखी गई और इस मूवी को अपने आप के भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए बताए गए थे तथा इस मूवी के साथ अपने के जरिए प्रकाश राउत से देखी गई और इन्होंने अपने को लाकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इनके साथ दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंगों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को प्रकाशित कर लिए और इन्होंने अपने रूप को प्रकाशित रूप से देखी गई और इन्होंने अपने भूमिकाओं को दृश्यों और आलोचकों द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और आयान मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन मूवी दिया गया था और इनकी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था।
हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आयलान मूवी के बारे में, जो अनुवादित रूप से आयलान 2024 की एक भारतीय तमिल भाषा की लेटेस्ट मूवी है, जो विज्ञान कथान के साथ आर रवि कोट्टापिडिक द्वारा राजशेखर के साथ देखी गई, जो निर्मित कर दिया। इसमें आयलान ने फिल्म श्रृंखला के पहले किस्त और भूमि अर्श में शिवा कार्तिक रूप में रकुल का प्रति सिंह की भूमिका निभाई। इसके साथ शरद केला ने ईसा के साथ व्यापक मनु योगेन बाबू के साथ एलियन की आवाज़ दी, जबकि ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दुष्ट वैज्ञानिक के साथ आघात नोवा गैस को बनाने की कोरोना के कारण रोकने के बारे में बताया गया है। एलियन के साथ मिलकर बताया गया पृथ्वीराज को खतरे में डाल दिया। वहीं पर इसका निर्देशन आर शरद कुमार और पाठकथा का लेखक भी आर शरद कुमार और के मणिरत्न है। वहीं पर अभिनेता आर रवि कुमार और उत्पादन कोट्टापट्टित जे राजेश और अभिनेता शिवा कार्तिक के एन और रकुल प्रति सिंह है, जो शरद केरल के साथ ईसा के रूप में कोपियान रूप देखी गई तथा इनका छायाकान नीरव शाह है। वहीं पर संपादन रूबेन है और इसको संगीत को ए आर रहमान द्वारा दिया गया। इसका उत्पादन कंपनी के आर जी स्टूडियो और फेटम आई एक्सल स्टूडियो रही, जो यदि ब्राह्मणों के साथ देखी गई, और इसका वितरण के जी आर द्वारा स्टूडियो के साथ लाया गया। इस मूवी को 12 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया और इसके कार्यक्रम समय अवधि 155 मिनट का था। यह मूवी भारत देश में तमिल भाषा के साथ लाया गया और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की घोषणा 24 AM स्टूडियो द्वारा अक्टूबर 2016 पर अस्थायी शीर्षक SK40 के तहत की गई थी, क्योंकि यह एक मुख्य अभिनेता के रूप में शिवा कार्तिक की 14वीं फिल्म थी। लेकिन KRG स्टूडियो को अधिग्रहण से पहले स्टूडियो के पीछे हटा दिया गया और अधिकार के शीर्षक द्वारा घोषित कर दिया गया। वहीं पर फरवरी 2020 में शूटिंग के मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी, जो वित्तीय मुद्दों के साथ परियोजनाओं को अभिनेताओं के प्रतिबद्धताओं की COD द्वारा COVID-19 महामारी के कारण देरी के बाद 2021 में शुरुआत हुआ है, वहीं पर पूरी हुई, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी को नवंबर 2021 में हुई, जो फिल्म ने संगीत AR रहमान द्वारा फोटोग्राफी के साथ लाया गया और इस मूवी को नवंबर 2022 में जारी कर दिया, जो इनके साथ संगीत AR रहमान द्वारा लाकर अपने रूप को दिया गया, जहाँ पर नीरव शाह ने नियंत्रित रखा रूबेन के साथ संपादित कर दिया। फिल्म को इसमें 4,500 से अधिक दृश्य को प्रभावित करने वाले शॉट्स थे, जो किसी भारतीय फिल्म में सबसे अधिक हैं। वहीं पर आलियान को पोगाल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाओं के कारण अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण दिवाली के साथ लाया गया, वहीं पर विलंबित हो गया। और इनके कथनांक जो तमीज के खुशमिजाज आदमी और टैटू नामक के एलियन से मिलता है और उससे दोस्ती करता है, उसे पता चलता है और एक दुष्ट वैज्ञानिक आर्यन के स्पार्क नामक के रहस्यमयी तत्वों का उपयोग करते हैं और उनको खतरे में डाल देगा, तथा तामीज ने टैटू को आर्यन की योजना को रोकने के लिए ग्रहण को बचाने के लिए निकल पड़ता है, तथा तामीज के रूप में शिवा कार्तिक ने एलियन उर्फ के टेडुअल रूप से जारी किया और वेंकट सेनगुटी के साथ आवाज दी। तारा के रूप में नकुल प्रतीक सिंह और आर्यन के रूप में शरद केलर और एलिजा के रूप में ईसा कॉपियार है। वहीं पर डेक्सटर्न विलियम्स के रूप में डेविल ब्रॉन्ट और डेविस और तामीज के रूप में बानु प्रिया है। वहीं पर इनके साथ लाया गया टाइसियन के रूप में योगी बाबू और सुनियार गथाराज जो करुणा के रूप में देखे गए, और बाला सारवन ने राहुल माधव के साथ उज्जवल चोपड़ा और आर्यन इंडस्ट्री की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में अर्जुन के रूप में गीजा वर्गर्स है, जो थोंडिक रूप से जारी करते हैं। इसका उत्पादन स्टूडियो कार्तिक के पूर्व संबंध RD राजा द्वारा स्थापित और प्रोड्यूसर कंपनी के बाद वाले अभिनेता ने फिल्म की निर्माण के साथ रेमो को जारी कर दिया। सिमिया राजा को शिवा कार्तिक के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, जिससे
आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया गया जाएगा तथा इंदिरा नेत्रिक रूप से लगाइन के बाद यह उसकी दूसरी फिल्म थी जो इसके साथ लाई गई माँ कांची को परियोजना को बताते हैं। शिवा कार्तिक द्वारा कहा गया जहां पर इन्होंने बड़े पैमाने के साथ बनाई जाएगी जिसके साथ फिल्म को फ्लॉप रूप से ले जाने और पहले प्रोडक्शन के कार्यों को अधिक समय मिल सके। इसके बाद राकी कुमार के स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जाएगा जबकि शिवा कार्तिक ने वेलियाकरण सीमा राजा द्वारा अभिनय किया गया तथा दिसंबर 2017 में वेनियाल द्वारा रिलीज तथा पहले शिवा कार्तिक ने स्क्रिप्ट के ड्रॉप के साथ रवि कुमार प्रोजेक्ट के दौरान दोहराया गया और यह स्पष्ट किया गया तथा प्रोडक्शन टीमों को प्रोजेक्ट रूप से जारी और शीर्षक तकनीक शिलाओं के साथ उपयोग करने और योजना बना रही है जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगा। वहीं पर इसे 15 जनवरी 2018 को एमएस स्टूडियो द्वारा स्थापित शीर्षक और एके द्वारा अभिनेताओं के साथ संदर्भित कर दिया। अधिकारों को घोषित किया और एआर रहमान को संगीत के साथ तैयार किया गया बोर्ड पर लाया गया था और फिल्म ने अगले महीने को निवर शाह सिनेमाग्राफिक के रूप में शामिल कर दी जहां पर अतिरिक्त रूप से तकनीक शिलाओं के साथ घोषणा की गई जिसमें संपादक लियोन जॉन पॉल को कॉल निर्देशन के साथ मुथुआ स्टेट कोरियोग्राफर को जोड़ी और अनिब्रीन के बाद लाया गया। मूवी ने निर्माण के दौरान जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली थी और इसे जुलाई 2019 के माध्यम ने राजा को 24 AM स्टूडियो को वित्तीय भाषाओं के कारण निर्माण के पीछे हटने का फैसला किया। शिवा कार्तिक ने खुद को अपने बैनर और शिवा कार्तिक प्रोडक्शन के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया और पूर्ण जीवित कर लिया। KRG स्टूडियो के इस परियोजना सहित राजाओं ने प्रस्तुति को शेयर बुनाने का फैसला करते हैं। निर्माण के साथ फरवरी 2020 में फिल्मांकन आलियान को घोषित कर दिया। वहीं पर रकुल सिंह प्रतीक जो शिवा कार्तिक के साथ जोड़े गए और उनके द्वारा चुना गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया और भानुमति के बारे में बताया गया तथा इस मूवी के लाई गई श्रृंखलाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया था तथा इन्होंने अपनी साथी श्रृंखलाओं को जारी कर लिया। मूवी के अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने बारे में जारी कर देते हैं और मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाए जाते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इस मूवी को बहुत अच्छे से जारी करके अपने श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर लिया था। मूवी ने अपने आप के साथ लाई गई श्रृंखला को तत्काल रूप से जारी और तंगी के रूप में बताया जाता है। इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उन्हें किरदार द्वारा एलिजा के साथ लाया गया था। उन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को अच्छे से आयोजित कर दिए गए थे और आलियान रूप से बताया गया पृथ्वी के खतरे को देखते हुए जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपने आप के साथ श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी दे दी थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित भी कर लिया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी के साथ प्रकाश रूप से बताया गया और इन्होंने अपने ग्रुपों श्रृंखलाओं को जारी करते हुए देखे जाते हैं तथा इस मूवी के साथ अपने आप की श्रृंखलाओं के बारे में बताई गई और यह मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर दिया गया था जहां पर इस मूवी के साथ बनाकर अपने दृश्यों के ऊपर अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा बताया जाता है तथा इन्होंने अपने आप के साथ जोड़े गए थे तथा इस मूवी के साथ बनाया भी गया था। मूवी की श्रृंखला अपने रूपों के साथ दर्शाते हैं तथा इन दृश्यों के साथ अपनी समीक्षाओं के रूप में जारी भी कर देते हैं। मूवी ने अपने दृश्यों को प्रकाशन रूप से बात की जानकारी देते हैं तथा इस मूवी के रूप से जारी भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इनके आपके साथ लाकर अपने भूमिकाओं को प्रकाशित कर दिया गया था। मूवी ने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा जारी कर देते हैं तथा इनके साथ अपने आप को अच्छे से
प्रकाशित करके अपने के जरिए जोड़ा गया। मूवी की छायाकान काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को 10 के साथ लाया गया। वहीं पर 12 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और इस मूवी की रन टाइम 155 मिनट रही थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ के साथ आया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिए गए थे तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में देखा गया और इनके साथ जोड़ा गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाकर अपनी समीक्षाओं के बारे में बात करते हैं और इन्होंने कहा गया कहा यहीं पर अपने श्रृंखलाओं को जारी कर दिया और इन्होंने अपने आप के साथ देखकर बात करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाई गई अपनी भूमिकाओं को जारी कर देते हैं तथा इन दृश्यों के साथ देखे गए और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को जारी रूपों को प्रकाश के साथ बताकर अपने के जरिए देखे गए थे। वहीं पर इन्हें अच्छा रिस्पांस के साथ जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके रूपों के साथ बनाकर अपने दृश्यों और अभिनेताओं को जारी कर देते हैं और इन्होंने अपने साथ लाया गया तथा इन्होंने अपने बारे में कहा गया और इन्होंने अपने साथी को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी तथा इनके साथ जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने रुपये के साथ देखे गए हैं। वहीं पर इन्होंने अपने रुपये के साथ प्रकाशित करेगी और इस मूवी को बताया गया तथा इन्होंने अपने बारे में देखी गई है और इन्होंने कहा जाता है तथा इनके साथ देखे गए थे जहां पर इन्होंने अपने रूपी को कहा जाता है। मूवी के साथ लाकर अपनी दृश्यों को एक बेहतरीन रूप प्रदान करेगी और इन्होंने बताया गया और इन्होंने अपने साथ बात करते हुए समीक्षाओं के साथ रूप को अन्य मुद्दों को सीओडीज द्वारा महामारी के कारण प्रतिबंधताओं के रूप से प्रकाशित करेगी तथा इस मूवी के साथ जारी करेगी। हर फोटो को छायाकान के साथ देखी गई जहां पर सबसे अधिक प्रकाशित आलियान के पोगल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को सरकारी कार्यक्रमों द्वारा आलोचकों दलों द्वारा नकारात्मक समीक्षा के अधूरे पोस्ट कथनांक और खुश मिजाज के आदमी को टैटू नामक के एलियन पर मिलते हैं और उससे दोस्ती करता और उसे पता चलता और दुष्ट वैज्ञानिक जो आर्यन के संपर्क नामक रहस्यमयी तत्वों को उपयोग करते हैं और घात नोवा के साथ गैस निकालने की योजना बना रहे हैं पृथ्वी के खतरे में डाग देते हैं और तामीज को टूटे आर्यन की योजना को रोकने को ग्रह को बचाने के लिए देखा गया। वहीं पर इनके साथ स्टूडियो पर जारी कर देते हैं और इसे रघुपति सिंह ने शिवा कार्तिक के साथ उनके पहले सहयोग के साथ फरवरी 2018 में मुख्य महिला की भूमिका चुना गया था और अप्रैल ने 2018 को योगी बाबू की सूचना मिली थी और इनके साथ 27 जून 2018 को फिल्मांकन के लॉन्च के अवसर पर भानुप्रिया और कोडू डम को बाला और श्रवण समारोह को उपस्थिति के लिए सक्रिय रूप से जारी कर दिया और बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ जोड़ा गया। सिनेमा को वापसी द्वारा चिन्हित करने वाले प्रोजेक्ट के साथ देखे गए तथा इन्होंने साइन रूप से घात कर देते हैं तथा इनके किरदार को टोबी रेडेज द्वारा किरदार लारा कॉर्पोरेट को प्रेरित करते हैं। वहीं पर अगस्त 2018 में शरद ने केरल को तमिल और अपनी शुरुआत के पहली फिल्म ने नायर के रूप में चुना गया और अपने चरित्र को वर्णा द्वारा व्यक्ति के साथ भूखा देखा। हालांकि केरल ने तमिल के परिचित रूप से धारावाहिकों को अच्छा आयाम देते हैं और इनके साथ देखे गए। वहीं पर इसमें शिवा कार्तिक भी है। बताया जाता है कि शिवा कार्तिक जो 17 जनवरी 1995 को है जो एक भारतीय अभिनेताओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को गीतकार और टेलीविज़न को
प्रस्तुतकर्ता और मुख्य द्वारा तमिल में काम करते हैं, जहां पर इन्होंने एडिशन जारी कर दिया और इनके साथ देखे गए थे और इस मूवी को बहुत ही अच्छे से बताया गया। मूवी की दृश्यों के साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखी गई तथा इन्होंने अपने श्रृंखला के साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ जोड़कर अपने व्यक्तित्व को शिवा कार्ती के कॉलेज के दौरान जारी कर देते हैं और इन्होंने भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जो मंच पर मिक्री के स्टेट ऑफ द्वारा कॉमेडी के साथ प्रदर्शन किया और अपनी पढ़ाई के बीच उन्होंने 3 महीने का ब्रेक ले लिया। इस अवधि के दौरान उनके दोस्त ने कंकला पोदुगान यारू के साथ ओडियन के रूप में जान के लिए मना लिया और स्टार टीवी के साथ जारी थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में मिक्री आरटी के तौर पर की थी और भाग के प्रारंभिक अनिच्छाओं को बावजूद उन्होंने शो जीत लिया। वहीं पर मुगवात आइडेंटी फिल्म ने कुरहार में शामिल और निर्माता के शिवा कार्तिक ने जारी किया और उनके साथ भूमिका की पेशकश की, लेकिन उनके हिस्से के अंतिम रूप को देखा गया और इन्होंने अपने आपके साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इनके साथ लाए गई श्रृंखला के रूप में प्रकाश के साथ उम्मीद को प्राकृतिक रूप से ओवरडोज द्वारा जारी कर दिया। शिवा कार्तिक के प्रदर्शन को खूब सराहा गया और आलोचकों ने कहा कि रोमांस को भी कहा, जो सैथल्य थांग को भूमिका के साथ शिवा ने आवश्यक रूप से देखा जाएगा और इनके साथ खुद को अभिनेता के रूप में प्रदर्शन के मामले में आसान ने कदम पर रखेगी तथा मरीन को रिलीज के पहले मेजबान के रूप में मंच करते हैं और उनके काम से प्रभावित होने के बाद ऐश्वर्या धनुष के साथ जोड़ा गया है, जहां पर शिवा कार्तिक ने साइन किया गया था तथा महत्वपूर्ण रिलीज प्रचार के रूप में जारी रूप से अच्छे प्रतीकों द्वारा गंभीर रूप से बताया गया और इस मूवी को समीक्षाओं के साथ आलोचकों द्वारा जारी करते हैं तथा इन दृश्यों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को अच्छे रूप को प्रकाश रूप से देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्य के साथ लाई गई श्रृंखला के साथ प्रकाशित कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को एक बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया गया और इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथ लाकर अपने दृश्यों के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने रूपों को प्रकाशित भी करते हैं। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ बनाकर अपने दृश्यों के बारे में जानकारी दे दिया था। मूवी काफ़ी अच्छी से लाया गया था और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए देखा गया था तथा इस मूवी के साथ बनाकर अपने आप को अच्छे रेटिंगों के साथ देखकर अपने भूमिकाओं के जरिए अच्छे रिस्पांस के बाद कहा गया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके साथ कथनांक के बारे में कहा जाता है, इस मूवी को बहुत ही अच्छे से दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ देखी गई थी तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में अच्छे समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाई गई थी और इन्होंने अपने आप के साथ देखी गई और इस मूवी को अपने आप के भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए बताए गए थे तथा इस मूवी के साथ अपने के जरिए प्रकाश राउत से देखी गई और इन्होंने अपने को लाकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इनके साथ दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंगों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को प्रकाशित कर लिए और इन्होंने अपने रूप को प्रकाशित रूप से देखी गई और इन्होंने अपने भूमिकाओं को दृश्यों और आलोचकों द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और आयान मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन मूवी दिया गया था और इनकी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था।
हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आयलान मूवी के बारे में, जो अनुवादित रूप से आयलान 2024 की एक भारतीय तमिल भाषा की लेटेस्ट मूवी है, जो विज्ञान कथान के साथ आर रवि कोटापिडिक द्वारा राजशेखर के साथ दिखी गई, जो निर्मित कर दिया। इसमें आयलान ने फिल्म श्रृंखला के पहले किस्त और भूमि अर्श में शिवा कार्तिक रूप में रकुल का प्रति सिंह की भूमिका निभाई। इसके साथ शरद केला ने ईशा के साथ व्यापक मनु योगेन बाबू के साथ एलियन की आवाज़ दी, जबकि ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दुष्ट वैज्ञानिक के साथ आघात नोवा गैस को बनाने की कोरोना के कारण रोकने के बारे में बताया गया। एलियन के साथ मिलकर बताया गया पृथ्वीराज को खतरे में डाल दिया। वहीं पर इसका निर्देशन आर शरद कुमार और पाठकथा का लेखक भी आर शरद कुमार और के मणिरत्न है। वहीं पर अभिनेता आर रवि कुमार और उत्पादन कोटा पटित जे राजेश और अभिनेता शिवा कार्तिक के एन और रकुल प्रति सिंह है, जो शरद केरल के साथ ईसा के रूप में कोपियान रूप देखी गई तथा इनका छायाकान नीरव शाह है। वहीं पर संपादन रूबेन है और इसको संगीत को ए आर रहमान द्वारा दिया गया और इसका उत्पादन कंपनी के आर जी स्टूडियो और फेटम आई एक्सल स्टूडियो रही, जो यदि ब्राह्मणों के साथ देखी गई और इसका वितरण KGR द्वारा स्टूडियो के साथ लाया गया। इस मूवी को 12 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया और इसके कार्यक्रम समय अवधि 155 मिनट का था। यह मूवी भारत देश में तमिल भाषा के साथ लाया गया और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की घोषणा 24 AM स्टूडियो द्वारा अक्टूबर 2016 पर अस्थायी शीर्षक SK40 के तहत की गई थी, क्योंकि यह एक मुख्य अभिनेता के रूप में शिवा कार्तिक की 14वीं फिल्म थी। लेकिन KRG स्टूडियो को अधिग्रहण से पहले स्टूडियो के पीछे हटा दिया गया और अधिकार के शीर्षक द्वारा घोषित कर दिया गया। वहीं पर फरवरी 2020 में शूटिंग के मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी, जो वित्तीय मुद्दों के साथ परियोजनाओं को अभिनेताओं के प्रतिबद्धताओं की COD द्वारा COVID-19 महामारी के कारण देरी के बाद 2021 में शुरुआत हुआ वहीं पर पूरी हुई, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी को नवंबर 2021 में हुई, जो फिल्म ने संगीत AR रहमान द्वारा फोटोग्राफी के साथ लाया गया और इस मूवी को नवंबर 2022 में जारी कर दिया, जो इनके साथ संगीत AR रहमान द्वारा लाकर अपने रूप को दिया गया, जहां पर नीरव शाह ने नियंत्रित रखा रूबेन के साथ संपादित कर दिया। फिल्म को इसमें 4,500 से अधिक दृश्य को प्रभावित करने वाले शॉट्स थे, जो किसी भारतीय फिल्म में सबसे अधिक हैं। वहीं पर आलियान को पोगाल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाओं के कारण अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण दिवाली के साथ लाया गया वहीं पर विलंबित हो गया और इनके कथनांक जो तमीज के खुशमिजाज आदमी और टैटू नामक के एलियन से मिलता है और उससे दोस्ती करता है, उसे पता चलता है और एक दुष्ट वैज्ञानिक आर्यन के स्पार्क नामक के रहस्यमयी तत्वों का उपयोग करते हैं और उनको खतरे में डाल देगा तथा तामीज ने टैटू को आर्यन की योजना को रोकने के लिए ग्रहण को बचाने के लिए निकल पड़ता है तथा तामीज के रूप में शिवा कार्तिक ने एलियन उर्फ के टेडुअल रूप से जारी किया वेंकट सेनगुटी के साथ आवाज़ दी। तारा के रूप में नकुल प्रतीक सिंह और आर्यन के रूप में शरद केलर और एलिजा के रूप में ईसा कोपियार है। वहीं पर डेक्सटर्न विलियम्स के रूप में डेविल और डेविस और तामीज के रूप में बानु प्रिया है। वहीं पर इनके साथ लाया गया टाइजियन के रूप में योगी बाबू और सुनियार गथाराज जो करुणा के रूप में देखे गए और बाला सारवन ने राहुल माधव के साथ उज्जवल चोपड़ा और आर्यन इंडस्ट्री की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में अर्जुन के रूप में गीजा वर्गर्स है, जो थोंडिक रूप से जारी करते हैं। इसका उत्पादन स्टूडियो कार्तिक के पूर्व संबंध RD राजा द्वारा स्थापित और प्रोड्यूसर कंपनी के बाद वाले अभिनेता ने फिल्म की निर्माण के साथ रेमो को जारी कर दिया। सिमिया राजा को शिवा कार्तिक के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, जिससे
आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया गया जाएगा तथा इंदिरा नेत्रिक रूप से लगाइन के बाद यह उसकी दूसरी फिल्म थी जो इसके साथ लाई गई महाकांक्षी को परियोजना को बताते हैं। शिवा कार्तिक द्वारा कहा गया जहां पर इन्होंने बड़े पैमाने के साथ बनाई जाएगी जिसके साथ फिल्म को फ्लोप रूप से ले जाने और पहले प्रोड्यूशन के कार्यों को अधिक समय मिल सके। इसके बाद राकी कुमार के स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जाएगा जबकि शिवा कार्तिक ने वेलियाकरण सीमा राजा द्वारा अभिनय किया गया तथा दिसंबर 2017 में वेनियाल द्वारा रिलीज तथा पहले शिवा कार्तिक ने स्क्रिप्ट के ड्रॉप के साथ रवि कुमार प्रोजेक्ट के दौरान दोहराया गया और यह स्पष्ट किया गया तथा प्रोड्यूशन टीमों को प्रोजेक्ट रूप से जारी और शीर्षक तकनीक शिलाओं के साथ उपयोग करने और योजना बना रही है जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगा। वहीं पर इसे 15 जनवरी 2018 को MS स्टूडियो द्वारा स्थापित शीर्षक और AK द्वारा अभिनेताओं के साथ संदर्भित कर दिया। अधिकारों को घोषित किया AR रहमान को संगीत के साथ तैयार किया गया बोर्ड पर लाया गया था और फिल्म ने अगले महीने को नीवर शाह सिनेमाग्राफिक के रूप में शामिल कर दी जहां पर अतिरिक्त रूप से तकनीक शिलाओं के साथ घोषणा की गई जिसमें संपादक लियोन जॉन पॉल को कॉल निर्देशन के साथ मुथुआ स्टेट कोरियोग्राफर को जोड़ी और अनिब्रीन के बाद लाया गया। मूवी ने निर्माण के दौरान जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली थी और इसे जुलाई 2019 के मध्य ने राजा को 24 AM स्टूडियो को वित्तीय भाषाओं के कारण निर्माण के पीछे हटने का फैसला किया। शिवा कार्तिक ने खुद को अपने बैनर और शिवा कार्तिक प्रोडक्शन के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया और पूर्ण जीवित कर लिया। KRG स्टूडियो के इस परियोजना सहित राजाओं ने प्रस्तुति को शेयर बुनाने का फैसला करते हैं। निर्माण के साथ फरवरी 2020 में फिल्मांकन आलियान को घोषित कर दिया। वहीं पर रकुल सिंह प्रतीक जो शिवा कार्तिक के साथ जोड़े गए और उनके द्वारा चुना गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया और भानुमति के बारे में बताया गया तथा इस मूवी के लाई गई श्रृंखलाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया था तथा इन्होंने अपनी साथी श्रृंखलाओं को जारी कर लिया। मूवी के अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने बारे में जारी कर देते हैं और मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाए जाते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इस मूवी को बहुत अच्छे से जारी करके अपने श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर लिया था। मूवी ने अपने आप के साथ लाई गई श्रृंखला को तत्काल रूप से जारी और तंगी के रूप में बताया जाता है। इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उन्हें किरदार द्वारा एलिजा के साथ लाया गया था। उन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को अच्छे से आयोजित कर दिए गए थे और आलियान रूप से बताया गया पृथ्वी के खतरे को देखते हुए जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपने आप के साथ श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी दे दी थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित भी कर लिया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी के साथ प्रकाश रूप से बताया गया और इन्होंने अपने ग्रुपों श्रृंखलाओं को जारी करते हुए देखे जाते हैं तथा इस मूवी के साथ अपने आप की श्रृंखलाओं के बारे में बताई गई और यह मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर दिया गया था जहां पर इस मूवी के साथ बनाकर अपने दृश्यों के ऊपर अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा बताया जाता है तथा इन्होंने अपने आप के साथ जोड़े गए थे तथा इस मूवी के साथ बनाया भी गया था। मूवी की श्रृंखला अपने रूपों के साथ दर्शाते हैं तथा इन दृश्यों के साथ अपनी समीक्षाओं के रूप में जारी भी कर देते हैं। मूवी ने अपने दृश्यों को प्रकाशन रूप से बात की जानकारी देते हैं तथा इस मूवी के रूप से जारी भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इनके आपके साथ लाकर अपने भूमिकाओं को प्रकाशित कर दिया गया था। मूवी ने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा जारी कर देते हैं तथा इनके साथ अपने आप को अच्छे से
प्रकाशित करके अपने के जरिए जोड़ा गया। मूवी की छायाकान काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को 10 के साथ लाया गया। वहीं पर 12 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और इस मूवी की रन टाइम 155 मिनट रही थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ के साथ आया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिए गए थे तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में देखा गया और इनके साथ जोड़ा गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाकर अपनी समीक्षाओं के बारे में बात करते हैं और इन्होंने कहा गया वहीं पर अपने श्रृंखलाओं को जारी कर दिया और इन्होंने अपने आप के साथ देखकर बात करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाई गई अपनी भूमिकाओं को जारी कर देते हैं तथा इन दृश्यों के साथ देखे गए और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को जारी रूपों को प्रकाश के साथ बताकर अपने के जरिए देखे गए थे। वहीं पर इन्हें अच्छा रिस्पांस के साथ जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके रूपों के साथ बनाकर अपने दृश्यों और अभिनेताओं को जारी कर देते हैं और इन्होंने अपने साथ लाया गया तथा इन्होंने अपने बारे में कहा गया और इन्होंने अपने साथी को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी तथा इनके साथ जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने रुपये के साथ देखे गए हैं। वहीं पर इन्होंने अपने रुपये के साथ प्रकाशित करेगी और इस मूवी को बताया गया तथा इन्होंने अपने बारे में देखी गई और इन्होंने कहा जाता है तथा इनके साथ देखे गए थे जहां पर इन्होंने अपने रूपी को कहा जाता है। मूवी के साथ लाकर अपनी दृश्यों को एक बेहतरीन रूप प्रदान करेगी और इन्होंने बताया गया और इन्होंने अपने साथ बात करते हुए समीक्षाओं के साथ रूप को अन्य मुद्दों को सीओडीज द्वारा महामारी के कारण प्रतिबंधताओं के रूप से प्रकाशित करेगी तथा इस मूवी के साथ जारी करेगी। हर फोटो को छायाकान के साथ देखी गई जहां पर सबसे अधिक प्रकाशित आलियान के पोगल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को सरकारी कार्यक्रमों द्वारा आलोचकों दलों द्वारा नकारात्मक समीक्षा के अधूरे पोस्ट कथनांक और खुश मिजाज के आदमी को टैटू नामक के एलियन पर मिलते हैं और उससे दोस्ती करता और उसे पता चलता और दुष्ट वैज्ञानिक जो आर्यन के संपर्क नामक रहस्यमयी तत्वों को उपयोग करते हैं और घात नोवा के साथ गैस निकालने की योजना बना रहे हैं, पृथ्वी के खतरे में डाग देते हैं और तामीज को टूटे आर्यन की योजना को रोकने को ग्रह को बचाने के लिए देखा गया। वहीं पर इनके साथ स्टूडियो पर जारी कर देते हैं और इसे रघुपति सिंह ने शिवा कार्तिक के साथ उनके पहले सहयोग के साथ फरवरी 2018 में मुख्य महिला की भूमिका चुना गया था और अप्रैल ने 2018 को योगी बाबू की सूचना मिली थी और इनके साथ 27 जून 2018 को फिल्मांकन के लॉन्च के अवसर पर भानुप्रिया और कोडू डम को बाला और श्रवण समारोह को उपस्थिति के लिए सक्रिय रूप से जारी कर दिया और बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ जोड़ा गया। सिनेमा को वापसी द्वारा चिन्हित करने वाले प्रोजेक्ट के साथ देखे गए तथा इन्होंने साइन रूप से घात कर देते हैं तथा इनके किरदार को टोबी रेडेज द्वारा किरदार लारा कॉर्पोरेट को प्रेरित करते हैं। वहीं पर अगस्त 2018 में शरद ने केरल को तमिल और अपनी शुरुआत के पहली फिल्म ने नायर के रूप में चुना गया और अपने चरित्र को वर्णा द्वारा व्यक्ति के साथ भूखा देखा। हालांकि केरल ने तमिल के परिचित रूप से धारावाहिकों को अच्छा आयाम देते हैं और इनके साथ देखे गए। वहीं पर इसमें शिवा कार्तिक भी है। बताया जाता है कि शिवा कार्तिक जो 17 जनवरी 1995 को है जो एक भारतीय अभिनेताओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को गीतकार और टेलीविज़न को प्रस्तुतकर्ता और मुख्य द्वारा तमिल में काम करते हैं जहां पर इन्होंने
एडिशन जारी कर दिया और इनके साथ देखे गए थे और इस मूवी को बहुत ही अच्छे से बताया गया। मूवी की दृश्यों के साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखी गई तथा इन्होंने अपने श्रृंखला के साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ जोड़कर अपने व्यक्तित्व को शिवा कार्ति के कॉलेज के दौरान जारी कर देते हैं और इन्होंने भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया जो मंच पर मिक्री के स्टेट ऑफ द्वारा कॉमेडी के साथ प्रदर्शन किया। अपनी पढ़ाई के बीच उन्होंने 3 महीने का ब्रेक ले लिया। इस अवधि के दौरान उनके दोस्त ने कंकला पोदुगान यारू के साथ ओडियन के रूप में जान के लिए मना लिया और स्टार टीवी के साथ जारी थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में मिक्री आरटी के तौर पर की थी और भाग के प्रारंभिक अनिच्छाओं को बावजूद उन्होंने शो जीत लिया। वहीं पर मुगवात आइडेंटी फिल्म ने कुरहार में शामिल और निर्माता के शिवा कार्तिक ने जारी किया और उनके साथ भूमिका की पेशकश की, लेकिन उनके हिस्से के अंतिम रूप को देखा गया और इन्होंने अपने आपके साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इनके साथ लाई गई श्रृंखला के रूप में प्रकाश के साथ उम्मीद को प्राकृतिक रूप से ओवरड्यूज द्वारा जारी कर दिया। शिवा कार्तिक के प्रदर्शन को खूब सराहा गया और आलोचकों ने कहा कि रोमांस को भी कहा जो सैथल्य थांग को भूमिका के साथ शिवा ने आवश्यक रूप से देखा जाएगा और इनके साथ खुद को अभिनेता के रूप में प्रदर्शन के मामले में असामान्य कदम पर रखेगी तथा मरीन को रिलीज के पहले मेजबान के रूप में मंच करते हैं और उनके काम से प्रभावित होने के बाद ऐश्वर्या धनुष के साथ जोड़ा गया है जहाँ पर शिवा कार्तिक ने साइन किया गया था तथा महत्वपूर्ण रिलीज प्रचार के रूप में जारी रूप से अच्छे प्रोटिकों द्वारा गंभीर रूप से बताया गया और इस मूवी को समीक्षाओं के साथ आलोचकों द्वारा जारी करते हैं तथा इन दृश्यों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को अच्छे रूप को प्रकाश रूप से देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्य के साथ लाई गई श्रृंखला के साथ प्रकाशित कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को एक बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया गया और इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथ लाकर अपने दृश्यों के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने रूपों को प्रकाशित भी करते हैं। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ बनाकर अपने दृश्यों के बारे में जानकारी दे दिया था। मूवी काफ़ी अच्छी से लाया गया था और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए देखा गया था तथा इस मूवी के साथ बनाकर अपने आप को अच्छे रेटिंगों के साथ देखकर अपने भूमिकाओं के जरिए अच्छे रिस्पांस के बाद कहा गया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके साथ कथनांक के बारे में कहा जाता है। इस मूवी को बहुत ही अच्छे से दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ देखी गई थी तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में अच्छे समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाई गई थी और इन्होंने अपने आप के साथ देखी गई और इस मूवी को अपने आप के भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए बताए गए थे तथा इस मूवी के साथ अपने के जरिए प्रकाश राउत से देखी गई और इन्होंने अपने को लाकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इनके साथ दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंगों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को प्रकाशित कर लिए और इन्होंने अपने रूप को प्रकाशित रूप से देखी गई और इन्होंने अपने भूमिकाओं को दृश्यों और आलोचकों द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और आयान मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन मूवी दिया गया था और इनकी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था।
हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आयलॉन मूवी के बारे में, जो अनुवादित रूप से आयलॉन 2024 की एक भारतीय तमिल भाषा की लेटेस्ट मूवी है, जो विज्ञान कथान के साथ आर रवि कोट्टापिडिक द्वारा राजशेखर के साथ देखी गई, जो निर्मित कर दिया। इसमें आयलॉन ने फिल्म श्रृंखला के पहले किस्त और भूमि अर्श में शिवा कार्तिक रूप में रकुल का प्रति सिंह की भूमिका निभाई। इसके साथ शरद केला ने ईसा के साथ व्यापक मनु योगेन बाबू के साथ एलियन की आवाज़ दी, जबकि ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दुष्ट वैज्ञानिक के साथ आघात नोवा गैस को बनाने की कोरोना के कारण रोकने के बारे में बताया गया है। एलियन के साथ मिलकर बताया गया पृथ्वीराज को खतरे में डाल दिया। वहीं पर इसका निर्देशन आर शरद कुमार और पाठकथा का लेखक भी आर शरद कुमार और के मणिरत्न है। वहीं पर अभिनेता आर रवि कुमार और उत्पादन कोट्टापट्टित जे राजेश और अभिनेता शिवा कार्तिक केयन और रकुल प्रति सिंह है, जो शरद केरल के साथ ईसा के रूप में कोपियान रूप देखी गई तथा इनका छायाकान नीरव शाह है। वहीं पर संपादन रूबेन है और इसको संगीत को ए आर रहमान द्वारा दिया गया। इसका उत्पादन कंपनी के आर जी स्टूडियो और फेटम आई एक्सल स्टूडियो रही, जो यदि ब्राह्मणों के साथ देखी गई, और इसका वितरण के जी आर द्वारा स्टूडियो के साथ लाया गया। इस मूवी को 12 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया और इसके कार्यक्रम समय अवधि 155 मिनट का था। यह मूवी भारत देश में तमिल भाषा के साथ लाया गया और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की घोषणा 24 AM स्टूडियो द्वारा अक्टूबर 2016 पर अस्थायी शीर्षक SK40 के तहत की गई थी, क्योंकि यह एक मुख्य अभिनेता के रूप में शिवा कार्तिक की 14वीं फिल्म थी। लेकिन KRG स्टूडियो को अधिग्रहण से पहले स्टूडियो के पीछे हटा दिया गया और अधिकार के शीर्षक द्वारा घोषित कर दिया गया। वहीं पर फरवरी 2020 में शूटिंग के मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी, जो वित्तीय मुद्दों के साथ परियोजनाओं को अभिनेताओं के प्रतिबद्धताओं की COD द्वारा COVID-19 महामारी के कारण देरी के बाद 2021 में शुरुआत हुआ है वहीं पर पूरी हुई, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी को नवंबर 2021 में हुई, जो फिल्म ने संगीत AR रहमान द्वारा फोटोग्राफी के साथ लाया गया और इस मूवी को नवंबर 2022 में जारी कर दिया, जो इनके साथ संगीत AR रहमान द्वारा लाकर अपने रूप को दिया गया, जहाँ पर नीरव शाह ने नियंत्रित रखा रूबेन के साथ संपादित कर दिया। फिल्म को इसमें 4,500 से अधिक दृश्य को प्रभावित करने वाले शॉट्स थे, जो किसी भारतीय फिल्म में सबसे अधिक हैं। वहीं पर आयलॉन को पुगल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाओं के कारण अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण दिवाली के साथ लाया गया वहीं पर विलंबित हो गया। और इनके कथनांक जो तमीज के खुशमिजाज आदमी और टैटू नामक के एलियन से मिलता है और उससे दोस्ती करता है, उसे पता चलता है और एक दुष्ट वैज्ञानिक आर्यन के स्पार्क नामक के रहस्यमयी तत्वों का उपयोग करते हैं और उनको खतरे में डाल देगा, तथा तामीज ने टैटू को आर्यन की योजना को रोकने के लिए ग्रहण को बचाने के लिए निकल पड़ता है, तथा तामीज के रूप में शिवा कार्तिक ने एलियन उर्फ के टेडुअल रूप से जारी किया और वेंकट सेनगुटी के साथ आवाज दी। तारा के रूप में नकुल प्रतीक सिंह और आर्यन के रूप में शरद केलर और एलिजा के रूप में ईसा कॉपियार है। वहीं पर डेक्स्टर्न विलियम्स के रूप में डेविल ब्रॉन्ट और डेविस और तामीज के रूप में बानु प्रिया है। वहीं पर इनके साथ लाया गया टाइसियन के रूप में योगी बाबू और सुनियार गथाराज जो करुणा के रूप में देखे गए, और बाला सारवन ने राहुल माधव के साथ उज्जवल चोपड़ा और आर्यन इंडस्ट्री की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में अर्जुन के रूप में गीजा वर्गर्स है, जो थोंडिक रूप से जारी करते हैं। इसका उत्पादन स्टूडियो कार्तिक के पूर्व संबंध RD राजा द्वारा स्थापित और प्रोड्यूसर कंपनी के बाद वाले अभिनेता ने फिल्म की निर्माण के साथ रेमो को जारी कर दिया। सिमिया राजा को शिवा कार्तिक के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, जिससे
आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया गया जाएगा तथा इंदिरा नेत्रिक रूप से लगाइन के बाद यह उसकी दूसरी फिल्म थी जो इसके साथ लाई गई महाकांक्षी को परियोजना को बताते हैं और शिवा कार्तिक द्वारा कहा गया जहां पर इन्होंने बड़े पैमाने के साथ बनाई जाएगी जिसके साथ फिल्म को फ्लॉप रूप से ले जाने और पहले प्रोडक्शन के कार्यों को अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार के स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जाएगा जबकि शिवा कार्तिक ने वेलियाकरण सीमा राजा द्वारा अभिनय किया गया तथा दिसंबर 2017 में वेनियाल द्वारा रिलीज तथा पहले शिवा कार्तिक ने स्क्रिप्ट के ड्रॉप के साथ रवि कुमार प्रोजेक्ट के दौरान दोहराया गया और यह स्पष्ट किया गया तथा प्रोडक्शन टीमों को प्रोजेक्ट रूप से जारी और शीर्षक तकनीक शिलाओं के साथ उपयोग करने और योजना बना रही है जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगा। वहीं पर इसे 15 जनवरी 2018 को MS स्टूडियो द्वारा स्थापित शीर्षक और AK द्वारा अभिनेताओं के साथ संदर्भित कर दिया। अधिकारों को घोषित किया और AR रहमान को संगीत के साथ तैयार किया गया बोर्ड पर लाया गया था और फिल्म ने अगले महीने को निवर शाह सिनेमाग्राफिक के रूप में शामिल कर दी जहां पर अतिरिक्त रूप से तकनीक शिलाओं के साथ घोषणा की गई जिसमें संपादक लियोन जॉन पॉल को कॉल निर्देशन के साथ मुथुआ स्टेट कोरियोग्राफर को जोड़ी और अनिब्रीन के बाद लाया गया। मूवी ने निर्माण के दौरान जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली थी और इसे जुलाई 2019 के माध्यम ने राजा को 24 AM स्टूडियो को वित्तीय भाषाओं के कारण निर्माण के पीछे हटने का फैसला किया। शिवा कार्तिक ने खुद को अपने बैनर और शिवा कार्तिक प्रोडक्शन के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया और पूर्ण जीवित कर लिया। KRG स्टूडियो के इस परियोजना सहित राजाओं ने प्रस्तुति को शेयर बुनाने का फैसला करते हैं। निर्माण के साथ फरवरी 2020 में फिल्मांकन आलियान को घोषित कर दिया। वहीं पर रकुल सिंह प्रतीक जो शिवा कार्तिक के साथ जोड़े गए और उनके द्वारा चुना गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया और भानुमति के बारे में बताया गया तथा इस मूवी के लाई गई श्रृंखलाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया था तथा इन्होंने अपनी साथ ही श्रृंखलाओं को जारी कर लिया। मूवी के अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने बारे में जारी कर देते हैं और मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाए जाते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इस मूवी के बहुत अच्छे से जारी करके अपने श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर लिया था। मूवी ने अपने आप के साथ लाई गई श्रृंखला को तत्काल रूप से जारी और तंगी के रूप में बताया जाता है। इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उन्हें किरदार द्वारा एलिजा के साथ लाया गया था। उन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को अच्छे से आयोजित कर दिए गए थे और आलियान रूप से बताया गया पृथ्वी के खतरे को देखते हुए जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपने आप के साथ श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी दे दी थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित भी कर लिया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी के साथ प्रकाश रूप से बताया गया और इन्होंने अपने ग्रुपों श्रृंखलाओं को जारी करते हुए देखे जाते हैं तथा इस मूवी के साथ अपने आप की श्रृंखलाओं के बारे में बताई गई और यह मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर दिया गया था जहां पर इस मूवी के साथ बनाकर अपने दृश्यों के ऊपर अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा बताया जाता है तथा इन्होंने अपने आप के साथ जोड़े गए थे तथा इस मूवी के साथ बनाया भी गया था। मूवी की श्रृंखला अपने रूपों के साथ दर्शाते हैं तथा इन दृश्यों के साथ अपनी समीक्षाओं के रूप में जारी भी कर देते हैं। मूवी ने अपने दृश्यों को प्रकाशन रूप से बात की जानकारी देते हैं तथा इस मूवी के रूप से जारी भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इनके आपके साथ लाकर अपने भूमिकाओं को प्रकाशित कर दिया गया था। मूवी ने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा जारी कर देते हैं तथा इनके साथ
अपने आप को अच्छे से प्रकाशित करके अपने के जरिए जोड़ा गया। मूवी की छायाकान काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को 10 के साथ लाया गया। वहीं पर 12 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और इस मूवी की रन टाइम 155 मिनट रही थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ के साथ आया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिए गए थे तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में देखा गया और इनके साथ जोड़ा गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाकर अपनी समीक्षाओं के बारे में बात करते हैं और इन्होंने कहा यहीं पर अपने श्रृंखलाओं को जारी कर दिया और इन्होंने अपने आप के साथ देखकर बात करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाई गई अपनी भूमिकाओं को जारी कर देते हैं तथा इन दृश्यों के साथ देखे गए और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को जारी रूपों को प्रकाश के साथ बताकर अपने के जरिए देखे गए थे। वहीं पर इन्हें अच्छा रिस्पांस के साथ जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके रूपों के साथ बनाकर अपने दृश्यों और अभिनेताओं को जारी कर देते हैं और इन्होंने अपने साथ लाया गया तथा इन्होंने अपने बारे में कहा गया और इन्होंने अपने साथी को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी तथा इनके साथ जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने रुपये के साथ देखे गए हैं। वहीं पर इन्होंने अपने रुपये के साथ प्रकाशित करेगी और इस मूवी को बताया गया तथा इन्होंने अपने बारे में देखी गई है और इन्होंने कहा जाता है तथा इनके साथ देखे गए थे जहां पर इन्होंने अपने रूपी को कहा जाता है। मूवी के साथ लाकर अपनी दृश्यों को एक बेहतरीन रूप प्रदान करेगी और इन्होंने बताया गया और इन्होंने अपने साथ बात करते हुए समीक्षाओं के साथ रूप को अन्य मुद्दों को सीओडीज द्वारा महामारी के कारण प्रतिबंधताओं के रूप से प्रकाशित करेगी तथा इस मूवी के साथ जारी करेगी। और फोटो को छायाकान के साथ देखी गई जहां पर सबसे अधिक प्रकाशित आलियान के पोगल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को सरकारी कार्यक्रमों द्वारा आलोचकों दलों द्वारा नकारात्मक समीक्षा के अधूरे पोस्ट कथनांक और खुश मिजाज के आदमी को टैटू नामक के एलियन पर मिलते हैं और उससे दोस्ती करता और उसे पता चलता और दुष्ट वैज्ञानिक जो आर्यन के संपर्क नामक रहस्यमयी तत्वों को उपयोग करते हैं और घात नोवा के साथ गैस निकालने की योजना बना रहे हैं पृथ्वी के खतरे में डाग देते हैं और तामीज को टूटे आर्यन की योजना को रोकने को ग्रह को बचाने के लिए देखा गया। वहीं पर इनके साथ स्टूडियो पर जारी कर देते हैं और इसे रघुपति सिंह ने शिवा कार्तिक के साथ उनके पहले सहयोग के साथ फरवरी 2018 में मुख्य महिला की भूमिका चुना गया था और अप्रैल ने 2018 को योगी बाबू की सूचना मिली थी और इनके साथ 27 जून 2018 को फिल्मांकन के लॉन्च के अवसर पर भानुप्रिया और कोडू डम को बाला और श्रवण समारोह को उपस्थिति के लिए सक्रिय रूप से जारी कर दिया और बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ जोड़ा गया। सिनेमा को वापसी द्वारा चिन्हित करने वाले प्रोजेक्ट के साथ देखे गए तथा इन्होंने साइन रूप से घात कर देते हैं तथा इनके किरदार को टोबी रेडेज द्वारा किरदार लारा कॉर्पोरेट को प्रेरित करते हैं। वहीं पर अगस्त 2018 में शरद ने केरल को तमिल और अपनी शुरुआत के पहली फिल्म ने नायर के रूप में चुना गया और अपने चरित्र को वर्णा द्वारा व्यक्ति के साथ भूखा देखा। हालांकि केरल ने तमिल के परिचित रूप से धारावाहिकों को अच्छा आयाम देते हैं और इनके साथ देखे गए। वहीं पर इसमें शिवा कार्तिक भी है। बताया जाता है कि शिवा कार्तिक जो 17 जनवरी 1995 को है जो एक भारतीय अभिनेताओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को गीतकार और टेलीविज़न को
प्रस्तुतकर्ता और मुख्य द्वारा तमिल में काम करते हैं, जहां पर इन्होंने एडिशन जारी कर दिया और इनके साथ देखे गए थे और इस मूवी को बहुत ही अच्छे से बताया गया। मूवी की दृश्यों के साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखी गई तथा इन्होंने अपने श्रृंखला के साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ जोड़कर अपने व्यक्तित्व को शिवा कार्ती के कॉलेज के दौरान जारी कर देते हैं और इन्होंने भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जो मंच पर मिक्री के स्टेट ऑफ द्वारा कॉमेडी के साथ प्रदर्शन किया और अपनी पढ़ाई के बीच उन्होंने 3 महीने का ब्रेक ले लिया। इस अवधि के दौरान उनके दोस्त ने कंकला पोदुगान यारू के साथ ओडियन के रूप में जान के लिए मना लिया और स्टार टीवी के साथ जारी थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में मिक्री आरटी के तौर पर की थी और भाग के प्रारंभिक अनिच्छाओं को बावजूद उन्होंने शो जीत लिया। वहीं पर मुगवात आइडेंटी फिल्म ने कुरहार में शामिल और निर्माता के शिवा कार्तिक ने जारी किया और उनके साथ भूमिका की पेशकश की, लेकिन उनके हिस्से के अंतिम रूप को देखा गया और इन्होंने अपने आपके साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इनके साथ लाए गई श्रृंखला के रूप में प्रकाश के साथ उम्मीद को प्राकृतिक रूप से ओवरडोज द्वारा जारी कर दिया। शिवा कार्तिक के प्रदर्शन को खूब सराहा गया और आलोचकों ने कहा कि रोमांस को भी कहा, जो सैथल्य थांग को भूमिका के साथ शिवा ने आवश्यक रूप से देखा जाएगा और इनके साथ खुद को अभिनेता के रूप में प्रदर्शन के मामले में आसान ने कदम पर रखेगी तथा मरीन को रिलीज के पहले मेजबान के रूप में मंच करते हैं और उनके काम से प्रभावित होने के बाद ऐश्वर्या धनुष के साथ जोड़ा गया है, जहां पर शिवा कार्तिक ने साइन किया गया था तथा महत्वपूर्ण रिलीज प्रचार के रूप में जारी रूप से अच्छे प्रतीकों द्वारा गंभीर रूप से बताया गया और इस मूवी को समीक्षाओं के साथ आलोचकों द्वारा जारी करते हैं तथा इन दृश्यों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को अच्छे रूप को प्रकाश रूप से देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्य के साथ लाई गई श्रृंखला के साथ प्रकाशित कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया और इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथ लाकर अपने दृश्यों के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने रूपों को प्रकाशित भी करते हैं। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ बनाकर अपने दृश्यों के बारे में जानकारी दे दिया था। मूवी काफ़ी अच्छी से लाया गया था और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए देखा गया था तथा इस मूवी के साथ बनाकर अपने आप को अच्छे रेटिंगों के साथ देखकर अपने भूमिकाओं के जरिए अच्छे रिस्पॉन्स के बाद कहा गया था इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके साथ कथनांक के बारे में कहा जाता है, इस मूवी को बहुत ही अच्छे से दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ देखी गई थी तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में अच्छे समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाई गई थी और इन्होंने अपने आप के साथ देखी गई और इस मूवी को अपने आप के भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए बताए गए थे तथा इस मूवी के साथ अपने के जरिए प्रकाश राउत से देखी गई और इन्होंने अपने को लाकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इनके साथ दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंगों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को प्रकाशित कर लिए और इन्होंने अपने रूप को प्रकाशित रूप से देखी गई और इन्होंने अपने भूमिकाओं को दृश्यों और आलोचकों द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और आयान मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन मूवी दिया गया था और इनकी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था।
हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आयलान मूवी के बारे में, जो अनुवादित रूप से आयलान 2024 की एक भारतीय तमिल भाषा की लेटेस्ट मूवी है, जो विज्ञान कथान के साथ आर रवि कोट्टापिडिक द्वारा राजशेखर के साथ दिखी गई, जो निर्मित कर दिया। और इसमें आयलान ने फिल्म श्रृंखला के पहले किस्त और भूमि अर्श में शिवा कार्तिक रूप में रकुल का प्रति सिंह की भूमिका निभाई। इसके साथ शरद केला ने ईशा के साथ व्यापक मनु योगेन बाबू के साथ एलियन की आवाज़ दी, जबकि ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दुष्ट वैज्ञानिक के साथ आघात नोवा गैस को बनाने की कोरोना के कारण रोकने के बारे में बताया गया। एलियन के साथ मिलकर बताया गया पृथ्वीराज को खतरे में डाल दिया। वहीं पर इसका निर्देशन आर शरद कुमार और पाठकथा का लेखक भी आर शरद कुमार और के मणिरत्न है। वहीं पर अभिनेता आर रवि कुमार और उत्पादन कोट्टापट्टी जे राजेश और अभिनेता शिवा कार्तिक केयन और रकुल प्रति सिंह है, जो शरद केरल के साथ ईसा के रूप में कोपियान रूप देखी गई तथा इनका छायाकान नीरव शाह है। वहीं पर संपादन रूबेन है और इसको संगीत को ए आर रहमान द्वारा दिया गया। इसका उत्पादन कंपनी KRG स्टूडियो और फेटम IXL स्टूडियो रही, जो यदि ब्राह्मणों के साथ देखी गई। और इसका वितरण KGR द्वारा स्टूडियो के साथ लाया गया। इस मूवी को 12 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया और इसके कार्यक्रम समय अवधि 155 मिनट का था। यह मूवी भारत देश में तमिल भाषा के साथ लाया गया और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की घोषणा 24 AM स्टूडियो द्वारा अक्टूबर 2016 पर अस्थायी शीर्षक SK40 के तहत की गई थी, क्योंकि यह एक मुख्य अभिनेता के रूप में शिवा कार्तिक की 14वीं फिल्म थी। लेकिन KRG स्टूडियो को अधिग्रहण से पहले स्टूडियो के पीछे हटा दिया गया और अधिकार के शीर्षक द्वारा घोषित कर दिया गया। वहीं पर फरवरी 2020 में शूटिंग के मुख्य रूप से चेन्नई में की गई थी, जो वित्तीय मुद्दों के साथ परियोजनाओं को अभिनेताओं के प्रतिबद्धताओं की CRDIC द्वारा COVID-19 महामारी के कारण देरी के बाद 2021 में शुरुआत हुआ वहीं पर पूरी हुई, जबकि अतिरिक्त फोटोग्राफी को नवंबर 2021 में हुई, जो फिल्म ने संगीत AR रहमान द्वारा फोटोग्राफी के साथ लाया गया और इस मूवी को नवंबर 2022 में जारी कर दिया, जो इनके साथ संगीत AR रहमान द्वारा लाकर अपने रूप को दिया गया, जहां पर नीरव शाह ने नियंत्रित रखा रूबेन के साथ संपादित कर दिया। फिल्म को इसमें 4,500 से अधिक दृश्य को प्रभावित करने वाले शॉट्स थे, जो किसी भारतीय फिल्म में सबसे अधिक हैं। वहीं पर आयलान को पोगाल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाओं के कारण अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण दिवाली के साथ लाया गया। वहीं पर विलंबित हो गया और इनके कथनांक जो तमीज के खुशमिजाज आदमी और टैटू नामक के एलियन से मिलता है और उससे दोस्ती करता है, उसे पता चलता है और एक दुष्ट वैज्ञानिक आर्यन के स्पार्क नामक के रहस्यमयी तत्वों का उपयोग करते हैं और उनको खतरे में डाल देगा, तथा तामीज ने टैटू को आर्यन की योजना को रोकने के लिए ग्रहण को बचाने के लिए निकल पड़ता है, तथा तामीज के रूप में शिवा कार्तिक ने एलियन उर्फ के टेडुअल रूप से जारी किया और वेंकट सेनगुटी के साथ आवाज़ दी। तारा के रूप में नकुल प्रतीक सिंह और आर्यन के रूप में शरद केलर और एलिजा के रूप में ईसा कोपियार है। वहीं पर डेक्सटर्न विलियम्स के रूप में डेविल ब्रॉन्ट और डेविस और तामीज के रूप में बानु प्रिया है। वहीं पर इनके साथ लाया गया टाइजियन के रूप में योगी बाबू और सुनियार गथाराज जो करुणा के रूप में देखे गए और बाला सारवन ने राहुल माधव के साथ उज्जवल चोपड़ा और आर्यन इंडस्ट्री की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में अर्जुन के रूप में गीजा वर्गर्स है, जो थोंडिक रूप से जारी करते हैं। इसका उत्पादन स्टूडियो कार्तिक के पूर्व संबंध RD राजा द्वारा स्थापित और प्रोड्यूसर कंपनी के बाद वाले अभिनेता ने फिल्म की निर्माण के साथ रेमो को जारी कर दिया। सिमिया राजा को शिवा कार्तिक के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, जिससे
आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया गया जाएगा तथा इंदिरा नेत्रिक रूप से लगाइन के बाद यह उसकी दूसरी फिल्म थी जो इसके साथ लाई गई महाकांक्षी को परियोजना को बताते हैं और शिवा कार्तिक द्वारा कहा गया जहां पर इन्होंने बड़े पैमाने के साथ बनाई जाएगी जिसके साथ फिल्म को फ्लॉप रूप से ले जाने और पहले प्रोड्यूशन के कार्यों को अधिक समय मिल सके। इसके बाद रकी कुमार के स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जाएगा जबकि शिवा कार्तिक ने वेलियाकरण सीमा राजा द्वारा अभिनय किया गया तथा दिसंबर 2017 में वेनियाल द्वारा रिलीज तथा पहले शिवा कार्तिक ने स्क्रिप्ट के ड्रॉप के साथ रवि कुमार प्रोजेक्ट के दौरान दोहराया गया और यह स्पष्ट किया गया तथा प्रोड्यूशन टीमों को प्रोजेक्ट रूप से जारी और शीर्षक तकनीक शिलाओं के साथ उपयोग करने और योजना बना रही है जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगा। वहीं पर इसे 15 जनवरी 2018 को MS स्टूडियो द्वारा स्थापित शीर्षक और AK द्वारा अभिनेताओं के साथ संदर्भित कर दिया। अधिकारों को घोषित किया और AR रहमान को संगीत के साथ तैयार किया गया बोर्ड पर लाया गया था और फिल्म ने अगले महीने को नेवर सा सिनेमाग्राफिक के रूप में शामिल कर दी जहां पर अतिरिक्त रूप से तकनीक शिलाओं के साथ घोषणा की गई जिसमें संपादक लियोन जॉन पॉल को कॉल निर्देशन के साथ मुथुआ स्टेट कोरियोग्राफर को जोड़ी और अनिब्रीन के बाद लाया गया। मूवी ने निर्माण के दौरान जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली थी और इसे जुलाई 2019 के माध्यम ने राजा को 24 AM स्टूडियो को वित्तीय भाषाओं के कारण निर्माण के पीछे हटने का फैसला किया। शिवा कार्तिक ने खुद को अपने बैनर और शिवा कार्तिक प्रोडक्शन के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया और पूर्ण जीवित कर लिया। KRG स्टूडियो के इस परियोजना सहित राजाओं ने प्रस्तुति को शेयर बुनाने का फैसला करते हैं। निर्माण के साथ फरवरी 2020 में फिल्मांकन आलियान को घोषित कर दिया। वहीं पर रकुल सिंह प्रतीक जो शिवा कार्तिक के साथ जोड़े गए और उनके द्वारा चुना गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया और भानुमति के बारे में बताया गया तथा इस मूवी के लाई गई श्रृंखलाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया था तथा इन्होंने अपनी साथी श्रृंखलाओं को जारी कर लिया। मूवी के अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने बारे में जारी कर देते हैं और मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाए जाते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इस मूवी को बहुत अच्छे से जारी करके अपने श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर लिया था। मूवी ने अपने आप के साथ लाई गई श्रृंखला को तत्काल रूप से जारी और तंगी के रूप में बताया जाता है। इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उन्हें किरदार द्वारा एलिजा के साथ लाया गया था। उन्होंने अपने श्रृंखलाओं को अच्छे से आयोजित कर दिए गए थे और आलियान रूप से बताया गया पृथ्वी के खतरे को देखते हुए जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपने आप के साथ श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी दे दी थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित भी कर लिया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी के साथ प्रकाश रूप से बताया गया और इन्होंने अपने ग्रुपों श्रृंखलाओं को जारी करते हुए देखे जाते हैं तथा इस मूवी के साथ अपने आप की श्रृंखलाओं के बारे में बताई गई और यह मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी श्रृंखलाओं के बारे में प्रकाशित कर दिया गया था जहां पर इस मूवी के साथ बनाकर अपने दृश्यों के ऊपर अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा बताया जाता है तथा इन्होंने अपने आप के साथ जोड़े गए थे तथा इस मूवी के साथ बनाया भी गया था। मूवी की श्रृंखला अपने रूपों के साथ दर्शाते हैं तथा इन दृश्यों के साथ अपनी समीक्षाओं के रूप में जारी भी कर देते हैं। मूवी ने अपने दृश्यों को प्रकाशन रूप से बात की जानकारी देते हैं तथा इस मूवी के रूप से जारी भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इनके आपके साथ लाकर अपने भूमिकाओं को प्रकाशित कर दिया गया था। मूवी ने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा जारी कर देते हैं तथा इनके साथ अपने आप को अच्छे से
प्रकाशित करके अपने के जरिए जोड़ा गया। मूवी की छायाकान काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को 10 के साथ लाया गया। वहीं पर 12 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और इस मूवी की रन टाइम 155 मिनट रही थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर 13.40 करोड़ के साथ आया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिए गए थे तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में देखा गया और इनके साथ जोड़ा गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाकर अपनी समीक्षाओं के बारे में बात करते हैं और इन्होंने कहा गया कहा वहीं पर अपने श्रृंखलाओं को जारी कर दिया और इन्होंने अपने आप के साथ देखकर बात करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाई गई अपनी भूमिकाओं को जारी कर देते हैं तथा इन दृश्यों के साथ देखे गए और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को जारी रूपों को प्रकाश के साथ बताकर अपने के जरिए देखे गए थे। वहीं पर इन्हें अच्छा रिस्पांस के साथ जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके रूपों के साथ बनाकर अपने दृश्यों और अभिनेताओं को जारी कर देते हैं और इन्होंने अपने साथ लाया गया तथा इन्होंने अपने बारे में कहा गया और इन्होंने अपने साथी को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी तथा इनके साथ जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने रुपये के साथ देखे गए हैं। वहीं पर इन्होंने अपने रुपये के साथ प्रकाशित करेगी और इस मूवी को बताया गया तथा इन्होंने अपने बारे में देखी गई और इन्होंने कहा जाता है तथा इनके साथ देखे गए थे जहां पर इन्होंने अपने रूपी को कहा जाता है। मूवी के साथ लाकर अपनी दृश्यों को एक बेहतरीन रूप प्रदान करेगी और इन्होंने बताया गया और इन्होंने अपने साथ बात करते हुए समीक्षाओं के साथ रूप को अन्य मुद्दों को सीओडीज द्वारा महामारी के कारण प्रतिबंधताओं के रूप से प्रकाशित करेगी तथा इस मूवी के साथ जारी करेगी। एयर फोटो को छायाकान के साथ देखी गई जहां पर सबसे अधिक प्रकाशित आलियान के पोगल के सप्ताह के दौरान इसे 12 जनवरी 2024 को सरकारी कार्यक्रमों द्वारा आलोचकों दलों द्वारा नकारात्मक समीक्षा के अधूरे पोस्ट कथनांक और खुश मिजाज के आदमी को टैटू नामक के एलियन पर मिलते हैं और उससे दोस्ती करता और उसे पता चलता और दुष्ट वैज्ञानिक जो आर्यन के संपर्क नामक रहस्यमयी तत्वों को उपयोग करते हैं और घात नोवा के साथ गैस निकालने की योजना बना रहे हैं, पृथ्वी के खतरे में डाग देते हैं और तामीज को टूटे आर्यन की योजना को रोकने को ग्रह को बचाने के लिए देखा गया। वहीं पर इनके साथ स्टूडियो पर जारी कर देते हैं और इसे रघुपति सिंह ने शिवा कार्तिक के साथ उनके पहले सहयोग के साथ फरवरी 2018 में मुख्य महिला की भूमिका चुना गया था और अप्रैल ने 2018 को योगी बाबू की सूचना मिली थी और इनके साथ 27 जून 2018 को फिल्मांकन के लॉन्च के अवसर पर भानुप्रिया और कोडू डम को बाला और श्रवण समारोह को उपस्थिति के लिए सक्रिय रूप से जारी कर दिया और बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ जोड़ा गया। सिनेमा को वापसी द्वारा चिन्हित करने वाले प्रोजेक्ट के साथ देखे गए तथा इन्होंने साइन रूप से घात कर देते हैं तथा इनके किरदार को टोबी रेडेज द्वारा किरदार लारा कॉर्पोरेट को प्रेरित करते हैं। वहीं पर अगस्त 2018 में शरद ने केरल को तमिल और अपनी शुरुआत के पहली फिल्म ने नायर के रूप में चुना गया और अपने चरित्र को वर्णा द्वारा व्यक्ति के साथ भूखा देखा। हालांकि केरल ने तमिल के परिचित रूप से धारावाहिकों को अच्छा आयाम देते हैं और इनके साथ देखे गए। वहीं पर इसमें शिवा कार्तिक भी है। बताया जाता है कि शिवा कार्तिक जो 17 जनवरी 1995 को है जो एक भारतीय अभिनेताओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को गीतकार और टेलीविज़न को
प्रस्तुतकर्ता और मुख्य द्वारा तमिल में काम करते हैं, जहां पर इन्होंने एडिशन जारी कर दिया और इनके साथ देखे गए थे और इस मूवी को बहुत ही अच्छे से बताया गया। मूवी की दृश्यों के साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखी गई तथा इन्होंने अपने श्रृंखला के साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ जोड़कर अपने व्यक्तित्व को शिवा कार्ती के कॉलेज के दौरान जारी कर देते हैं और इन्होंने भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जो मंच पर मिक्री के स्टेट ऑफ द्वारा कॉमेडी के साथ प्रदर्शन किया। अपनी पढ़ाई के बीच उन्होंने 3 महीने का ब्रेक ले लिया। इस अवधि के दौरान उनके दोस्त ने कंकला पोदुगान यारू के साथ ओडियन के रूप में जान के लिए मना लिया और स्टार टीवी के साथ जारी थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में मिक्री आरटी के तौर पर की थी और भाग के प्रारंभिक अनिच्छाओं को बावजूद उन्होंने शो जीत लिया। वहीं पर मुगवात आइडेंटी फिल्म ने कुरहार में शामिल और निर्माता के शिवा कार्तिक ने जारी किया और उनके साथ भूमिका की पेशकश की, लेकिन उनके हिस्से के अंतिम रूप को देखा गया और इन्होंने अपने आपके साथ जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इनके साथ लाए गई श्रृंखला के रूप में प्रकाश के साथ उम्मीद को प्राकृतिक रूप से ओवरडोज द्वारा जारी कर दिया। शिवा कार्तिक के प्रदर्शन को खूब सराहा गया और आलोचकों ने कहा कि रोमांस को भी कहा, जो सैथल्य थांग को भूमिका के साथ शिवा ने आवश्यक रूप से देखा जाएगा और इनके साथ खुद को अभिनेता के रूप में प्रदर्शन के मामले में आसान नए कदम पर रखेगी तथा मरीन को रिलीज के पहले मेजबान के रूप में मंच करते हैं और उनके काम से प्रभावित होने के बाद ऐश्वर्या धनुष के साथ जोड़ा गया है, जहां पर शिवा कार्तिक ने साइन किया गया था तथा महत्वपूर्ण रिलीज प्रचार के रूप में जारी रूप से अच्छे प्रतीकों द्वारा गंभीर रूप से बताया गया और इस मूवी को समीक्षाओं के साथ आलोचकों द्वारा जारी करते हैं तथा इन दृश्यों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को अच्छे रूप को प्रकाश रूप से देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्य के साथ लाई गई श्रृंखला के साथ प्रकाशित कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को एक बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया गया और इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथ लाकर अपने दृश्यों के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने रूपों को प्रकाशित भी करते हैं। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इनके साथ बनाकर अपने दृश्यों के बारे में जानकारी दे दिया था। मूवी काफ़ी अच्छी से लाया गया था और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए देखा गया था तथा इस मूवी के साथ बनाकर अपने आप को अच्छे रेटिंगों के साथ देखकर अपने भूमिकाओं के जरिए अच्छे रिस्पांस के बाद कहा गया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को जारी कर दी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इनके साथ कथनांक के बारे में कहा जाता है, इस मूवी को बहुत ही अच्छे से दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ देखी गई थी तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में अच्छे समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी को अच्छे रेटिंगों के साथ लाई गई थी और इन्होंने अपने आप के साथ देखी गई और इस मूवी को अपने आप के भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के जरिए बताए गए थे तथा इस मूवी के साथ अपने के जरिए प्रकाश राउत से देखी गई और इन्होंने अपने को लाकर प्रकाशित कर दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इनके साथ दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंगों के साथ बनाई गई श्रृंखलाओं को प्रकाशित कर लिए और इन्होंने अपने रूप को प्रकाशित रूप से देखी गई और इन्होंने अपने भूमिकाओं को दृश्यों और आलोचकों द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और आयान मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा काफ़ी बेहतरीन मूवी दिया गया था और इनकी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था।